हेलो नमस्कार, मेरा नाम सुशांत है। मैं यहाँ के टेक्निकल देखता हूँ। यहाँ पे आपके डिवाइस पे, जो भी आपके डिवाइस लगा रहे हैं आप अपने एरिया में, जहाँ पे भी डिवाइस आप अपने इंस्टॉल कर रहे हैं, उसका आप अपने डिवाइस का कैसे फीडबैक चेक करेंगे? कैसे आप ये बताएंगे कि मेरे डिवाइस पे कितने लोग यूज कर रहे हैं, कितने आपके इनकम हो रहे हैं, कितने महीने का इनकम हुआ, कितने डे का इनकम हुआ? कैसे आप अपना स्टेटमेंट निकालेंगे पूरे डिवाइस का? पूरा डिवाइस का डेमो आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग रेडी रहिएगा पेन और कॉपी लेके। जिसका भी अगर बीच में कोई क्वेश्चन होगा मेरे से पर्सनली पूछ सकता है बीच में यहाँ पे। मतलब ऐसे हम नहीं कर पाते क्योंकि बहुत लोगों का अलग अलग क्वेश्चन होता है, ठीक है? नहीं तो मैं अभी आप लोगों को ऐप का डेमो देने जा रहा हूँ। पहले बता दूं कि आज के वेबिनार में अंजू जादौन यूट्यूबर हमारे साथ हैं। एक बार इंट्रोड्यूस कराओ मैडम को, और आप एक बार यूट्यूब खोलिएगा, अंजू जादौन डालिएगा। मैडम साथ आई हुई है ग्वालियर से, इनके अराउंड 8 लाख सब्सक्राइबर है। ये शूट कर रही है इस पूरे प्रोग्राम को। आप सभी लोग, जितने भी लोग जहाँ पे भी हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैडम एक बार आप प्लीज सामने आइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और आप इनका यूट्यूब चैनल जरूर खोल लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। मैडम इसको भी पूरा शूट को, आज वेबिनार को पूरा रिकॉर्ड कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और सभी का आप छोटा छोटा इंट्रो भी लेंगे, नजीम जी आपका, सभी सभी लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पे आज की डेट में, हमारे रितेश आप भी हैं, निधि आप भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये पूरा रिकॉर्ड हो और ये यूट्यूब पे जाए और मैक्सिमम लोग उसको देखें और इसको देख के समझें और समझें। तो मैं चाहूंगा मैडम प्लीज मैं अपने बारे में बताइए थोड़ा बहुत। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों के लिए, मेरा सबसे पहले तो आप मेरे चैनल का नाम जानिए, अंजू जादौन के नाम से यूट्यूब चैनल है। और मैं आप सभी लोगों के लिए, किसको किस तरह से बिजनेस करना है या जो लोग परेशान हैं रोजगार के लिए, तो उन लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ अपने नए नए बिजनेस एक्सप्लोर करती रहती हूँ। तो आज मैं गौरव सर के पास आई हूँ और लाइव में आप सभी लोगों के लिए मैं दिख, बहुत सारे बिजनेस एक्सप्लोर किए हैं, मशीनों के, हर तरह के हैं। पर ये बिजनेस मैंने आपके लिए इसलिए किया कि आप जैसे टेक्नोलॉजी के साथ में आप भी अपने आप को अपडेट करो। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, अदर काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों की जॉब होती है तो वो जॉब में बिजी होते हैं पर उनके पास टाइम होता है अलग से, जॉब के बाद भी उनकी इतना पैसा नहीं आ पाता उनके पास जिससे वो अपने अदर खर्चे निकाल सके। तो ये आपके लिए काफी अच्छा है कि आपको वाईफाई बस लगा देना है, लगाने के बाद आपके जो एरिया का, एरिया के जितने सारे लोग होते हैं उनको आप कवर कर सकें। तो इसमें ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि अभी कोरोना आया, लॉकडाउन चला तो सारे बिजनेस बंद हो गए थे। इवन कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं था कि जो चल रहा हो, बस किराने की शॉप और डॉक्टरों की, बस यही चल रही थी। पर ये वाईफाई वाला है, ये तो कभी बंद नहीं होने वाला है। वो इसलिए आप चाहे बारिश हो या धूप हो, सो रहे तो सोते जागते, एक बार आपने अगर डिवाइस लगा दी तो आपकी प्रॉपर इनकम उसमें होती रहेगी, ये ऑलवेज चालू रहने वाला है, तो काफी अच्छा है। और मैं सर आप बताना चाहेंगे? देखिए मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। मैं इवन आई स्टार्ट वाइफ ऑपरेटर की तरफ से, मैं पूरी टीम की तरफ से अंजू जादव जी को अपने ऑफिस में वेलकम करता हूँ, पूरी फैमिली के साथ आई है। और मैडम हमारे साथ काफी टाइम से जुड़ी हुई है और हमारी काफी वीडियोज है मैडम के साथ, और हमने पेपर कॉल भी मैडम के साथ शूट किया हुआ है, हमने पीएम वानी को भी शूट किया हुआ है, और इनके साथ हमारी 4-5 वीडियो पहले से आई हुई है। मैडम ग्वालियर से है और अराउंड इनके 7-8 लाख भी हैं, और मैंने इनको दोबारा इनवाइट किया जस्ट बिकॉज काफ़ी चीज़ें अपडेट हो चुकी है पीएम वानी में, बट वो अपडेट पब्लिक को पता नहीं। तो आज बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि आज वाईफाई क्रांति जो है, जो मैक्सिमम लोग इवन सीकर से भी आए हुए हैं, जो मैडम के पीछे बैठे हुए हैं, सर के पीजीज हैं, हॉस्टल्स हैं, इनको ओम प्रकाश जी हैं जिनको मैं मिलवाना चाहूँगा आपसे। और ओम प्रकाश जी जो है ये सीकर से आए हुए हैं, और मैं चाहूंगा आप ओम प्रकाश जी मेरे पास ही आ जाए, मैं ये इंट्रोड्यूस कर दूंगा आपको। तो बेसिकली अब मैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप सभी अपने फेस को वो करिए जिससे बेटर रहेगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है एंड ये सभी हम 8 लाख लोगों तक पहुँचेगा। ये सिर्फ आप जो 500 लोग देख रहे हैं उन तक नहीं रहेगा, और उस टाइम सिर्फ आपका नाम जाए उससे बेटर है कि आपकी फेस भी जाए, क्योंकि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सीकर से भी मेरे पास आए हुए ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी सीकर में ऑलरेडी एक हॉस्टल चला रहे हैं और हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। सर ने अभी हमारी डिस्ट्रीब्यूटर सीकर की ली है, और अभी आज की डेट में 4 बिल्डिंग्स हैं इनकी, अराउंड 1200 बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं,
और कोचिंग फ्री में दे रहे हैं, सिर्फ रहना खाना मतलब आदमी से लेते हैं, और आज की डेट में 250 बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं सीकर में, और ये प्लानिंग कर रहे हैं कि सीकर के अलावा 3 डिस्ट्रिक्ट और लें। तो अभी बेसिकली इनका ये मिशन है कि अराउंड 4 महीने के अंदर 2000 PDO लगाएंगे, मतलब इनका कहना है, ये खुद ही बताएंगे अभी, इवन पूरा इनका हम इवन बीच में इनकी बाइट भी लेंगे पूरी आज। तो ऐसे ऐसे आजमगढ़ से सौरभ भी आए हुए हैं। सौरभ ने इस महीने 15 लाख की सेल की है हमारे मतलब PM वानी में, हमारे कॉल सेंटर्स ने, मतलब इसने हमारा सौरभ हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ पे। तो सर कुछ बताइए आप, मतलब आपने तो पूरा एक दिन हो गया आपको कहीं से सुना है, तो बताइए आप कुछ बताइए, आपने अभी तक फिलहाल किस स्टेज पे, आपने क्या प्लान किया है, क्यों लिया है और आगे क्या प्लान करना है? मैं सर सीकर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और ऑलरेडी मैं एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, कोचिंग चलाता हूँ। अभी PM वाणी में काम करने के लिए इसलिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि इन फ्यूचर जो नीड है वो डाटा है और गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट, हाँ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें अनलीगल लीगल को प्रोसीजर का कभी दिक्कत नहीं होगा। तो मैं अभी सीकर में शुरू कर रहा हूँ और चूरू, झुंझुनू और नागौर नेक्स्ट मंथ में या उससे नेक्स्ट मंथ में 4 डिस्ट्रिक्ट कवर करूंगा। तो अभी इस मंथ में मेरा कॉल सेंटर चालू हो जाएगा सीकर डिस्ट्रिक्ट का, 50 सीट 50 सीट का। 50 सीट क्योंकि सर मेरे को लगता है कि शायद मुझे जरूरत होगी इस चीज की, हाँ इसीलिए मुझे जरूरत भी होगी इस चीज की, क्योंकि 50 सीट होंगी तभी शायद मैं कवर कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पूरा राजस्थान कवर करने का विचार है। जी नहीं, जी 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 खुलेंगे सर। हाँ अभी मतलब इस महीने में जब मैंने PM वाणी की शुरुआत की, क्योंकि महीने भर से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ उस पर, तो कुछ लोगों ने रिक्वायरमेंट डाल रखी कि सर इसके बारे में जानने की स्ट्रगल कर रहा हूँ, PM वाणी क्या है, इसमें क्यों काम करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे स्ट्रगल कर रहा हूँ सर। तभी तो आज आपके ऑफिस में मैंने बोला था कि नहीं, वही कह रहा हूँ कि आपके ऑफिस में, तभी तो मैंने कहा कि 4 डिस्ट्रिक्ट का प्लान, तब मैंने इसके बारे में जाना और एक कंफर्म कर लिया कि नीड जो है वो फाइनली डाटा है। और बहुत अच्छी जो चीज है, कल को मैं राजस्थान के या सीकर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ये चीज बहुत जल्दी या PDO क्राइटेरिया तैयार करूंगा, और मेरा विचार ये है कि कम से कम 2000 PDO तैयार कर सकूं मैं कुछ ही टाइम। 2000 PDO जी तो सर आप ये बताइए कि बहुत सारे लोग वाईफाई और भी लोग दे रहे हैं, जी। तो आपने यही का क्यों डिसाइड किया? मैं मैडम डिपेंड करता है कि वो 100% लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इनकी यह है कि ये नॉर्मल से नॉर्मल अगर कोई टॉपिक है, अगर इनके कॉल की जाए तो ये नहीं कहते कि या किसी ने बता दिया समझ में नहीं आया, ये सपोर्ट करते हैं जब तक बंदे को अंडरस्टैंडिंग लेवल 100% नहीं हो जाए। तो इसलिए वैसे मैंने आपको सर का कैसा लगा? सर से मैं काफी टाइम से मतलब इनके वेबिनार ज्वाइन करता हूँ, मैं भी जैसे इस तरह वेबिनार चलता है मैं भी सर के वेबिनार देखता था, तो बहुत बढ़िया तरीके से मुझे एक्सप्लेन करते थे कि ये मुझे क्या, सभी लोगों को एक्सप्लेन करते हैं कि वाईफाई क्या है और इसे हमें हम इसे बेच क्यों सकते हैं, मतलब आज तक किसी ने डाटा को यूज किया है, बेचा नहीं है। और आज सर से ये सीखा है, मैंने सर से ही सीखा है कि हम यूज करने के साथ इसको बेच भी सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपने क्या लगता सर। इन है? फ्यूचर कल सरो सर ने मेरे को एक बहुत और एक एक्स्ट्रा चीज बताई कि इन फ्यूचर इस पे रेड मतलब सॉरी एड रेवेन्यू जो है वो बहुत बढ़िया इंक्रीज होगा, क्योंकि सबको क्या है, उन्होंने बताया मेरे को नहीं मालूम था इस बात का कि इसको जब ज्वाइन करेगा वाईफाई को तो उस पे एक एड आएगा, आप देखते हैं यूट्यूब पे कई बार ना चाहते भी मैं 5 मिनट 5 सेकंड का बस देखना पड़ता है, तो इस पे भी ऐसा कुछ है। और सर ने जब मेरे को ये बताया, वो जितनी भी कंपनियां हैं यूट्यूब, लिंक्डइन,
जी और मिलियन डॉलर बाहर जाता है जी हर महीने, जी और हम दे रहे हैं, मतलब ऑलरेडी हमारा ही पैसा है। हमें देख भी, हमने मतलब जगह भी हमारी, एड भी हम ही देख रहे हैं, हमें जरूरत से दिखाया जा रहा है, हम जाए लेके हाँ गाड़ी मतलब 10 सेकंड का ऐड तो कई बार ऐसे होते हैं दो जो स्किप भी नहीं होते। हाँ दो दिखाते हैं, उसमें आपने देखा होगा तो ये हालत है कि दो दिखाते हैं, दोनों एक दोनों दिखाते हैं, नॉन स्किप। और आप देखते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, जी सही और बात। ग्राहक चाहे ना चाहे आप उसको जरूरत सी ऐड नहीं कर सकते वैसे। 350 रुपये डीटीएस से रिचार्ज करते हो उसके बाद ये ऐड देखते हो ये मैं जो 50 सीट का जो लेके चल रहा हूँ ना, आप इसके पीछे का मेरा मेन रीजन यही है। कल को देखो एड सबको चाहिए, सब अपना पब्लिसिटी करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस कर रहा है, मैं नहीं कर रहा पेमेंट की बात नहीं कर रहा, कोई भी बिजनेस कर रहा है मेरे शिकर में, उनको अपना पब्लिसिटी करना है कि मेरा ये बिजनेस है तो मेरे से जुड़ेगा। तो जो 50 लोग सीट पर बैठे हैं उनका काम क्या है, वही तो मैं सबसे बात करने के लिए नहीं जा सकता, वही लोग उनसे बात करेंगे और वही लोग उनसे जुड़ेंगे और उनका रेड एड शो करवाएंगे यहाँ पे। मैंने जो कल के ही ज्यादा प्लान है मेरा कि सौरभ सर ने मेरे को बताया कि इसमें एड रेवेन्यू जो है वो मतलब एक एक्सप्लेन तरीके से बताया कि होगा कैसे ही, मतलब तो मुझे ऐड इतना का रेवेन्यू किसको मिलेगा, आपको मिलेगा? मुझे मिलेगा ऐड का रेवेन्यू में क्या होता है मैडम, ऐड का क्या है, जैसे एक रिचार्ज डैशबोर्ड है, ऐड हाँ डैशबोर्ड हाँ है, एक रिचार्ज डैशबोर्ड है और एक ऐड ऐड डैशबोर्ड। जैसे ही डैशबोर्ड हमें रिचार्ज का दिखेगा, अब ऐसे ही ऐड का डैशबोर्ड दिखेगा। वहां पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के यहां से ऐड रीड होती है, लाभ भी सकता है, फ्रेंचाइज भी ला सकता है, विधानसभा पीडीओ भी ला सकता है, जो लाएगा वो ज्यादा ले जाएगा और जो डिस्ट्रीब्यूटर से रिलीज करेगा, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर से होगा रिलीज, ये करेगा पीडीओ ला के आएगा, पीडीओ वाला रिटेलर, हमारे यहां पीडीओ वाला कंप्लीट डाटा ऑफिस, मतलब सब्जी वाला भाजी वाला जिसने एक डिवाइस दो डिवाइस लगाया वो रिटेलर से जो ऐड ला रहे, ऐड आने का काम भी वही करेगा, तो ऐड आएंगे वो रिलीज कौन करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि कल कोई ऐड गलत ऐड रिलीज कर दी पूरा डिस्ट्रीब्यूटर दिखा दी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, या तो मैं लूंगा या मेरा डिस्ट्रीब्यूटर लेगा, सबको तो बटन आप रिलीज करेगा नहीं दे सकता। तो सर आपने अपना जो ऑफिस खोल रखा है कहाँ पे खोल रखा है? मेरे 4 जगह, 4 जगह है आपके, तो मैनेज कर लेते हो आप 4 जगह ऑफिस अपने? काम ही 3 कर रहे हैं आप, ये तो पूछा ही नहीं आपने, उसमें एक आप काम है उसी का एक बिजनेस, इसके अलावा 2 बिजनेस और है और कौन कौन एक से बिजनेस हैं सर? मैडम मेरा एक तो रिंगस में टॉयज का और गिफ्ट का होलसेलिंग का काम है, मतलब जिसको बोलते हैं दुकानदार भी दुकान, जी होलसेलिंग का काम। और एक खाटू श्याम जी मेरा नजदीक पड़ता है तो वहां रोज ब्रांड का कुमकुम का काम करता वो सेगमेंट अलग है, ये सेगमेंट अलग है, तो आप इसके साथ कैसे जुड़े थे, मैडम दो मेरे को ये आइडियाज लगा कि ये बाकी 3 एक तरफा है और ये पेमेंट एक तरफा है, क्योंकि इन फ्यूचर मेन चीज ये है कि मैं खाना खाना भूल सकता हूँ। कैसे खाना खाना भूल सकते हैं, यानी नेट चलाना नहीं। वाईफाई वाला काम ऐसा है कि या तो उसकी समझ में आएगा, और समझ में आ गया तो हो गया। हाँ हाँ वो तो जब है, मुझे ये वो समझ में आ उसका गई काम ना, भी है। सही सही बात, मुझे रियल अगर वो डेप्थ आए समझ में आ गई क्या सर। वाला रेंटर का काम नहीं है, क्या वाला पार्टनर का काम नहीं है, रेंटर का कितना बड़ा काम है, इस्टैब्लिश बिजनेस है, लोग कहते थे पागल है, ब्रिटेन भी कहते पागल है, ब्रिटेन आज भी कहते पागल है, वो कहते हैं तुमको प्रॉपर्टी दे रहे बिना किराए के, तुम बिल्डिंग हाउस छोड़ के ये बिना किराए के दे रहे, बट तुझे पैसे भी नहीं मांग रहे, उसके बाद में तो कहता मुझे वाईफाई करना, मुझे वाईफाई करना, मतलब वो छोड़ के आप वाईफाई क्यों कर रहे हो। तो मैंने उसको समझाया आज उसने तो देखने चलना टेक्नोलॉजी पड़ता है। एमजीएम के मालिक हैं, एमजीएम ब्रांड है वो पूरा, उन्होंने उसे कहा कि हम तेरे को 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया दे रहे हैं बिना रेंट के, 12 लाख स्क्वायर फीट अगर आप गुड़गांव बात करूँ तो 10,000 रुपये का रेट है, मान लो 100 करोड़ का एरिया हो गया, और वो मुझे 60-40 में दे रहे हैं, 60 मेरा 40 उनका बिना रेंट के, और वो छोड़ के अगर वाईफाई भी लगाओ तो कितने में चुका देगी होगी। आपको भी कहूंगा पढ़ने टाइम में आप भी देखोगे कि जब आप ये वीडियो जानने लगेंगे और फिर 2-3 साल बाद के बाद जी और लोग भी कहेंगे आपको, हाँ सर अभी उसका बात रीजन क्या है कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे इसकी इंटेंसिटी है, इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है, उसका रीजन क्या है कि जिसको पता लगे कि वाईफाई ऑपरेटर बन जाएगा और वाईफाई ऑपरेटर का ना केबल है ना कंट्रोल रूम है, इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं, मतलब समझो घर पे बैठे बैठे लाइसेंस मिल जाए, डिवाइस मिल जाए और ऐप भी मिल जाए घर बैठे बैठे, इसके लिए कितना रखे खाते थे लोग, आईएसपी का लाइसेंस 30 लाख आप डाल रहा हूँ, आप डालना आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका लाइसेंस 30 लाख का आज भी गूगल पे दिखाई देगा आपको, डालोगे 30 लाख नहीं सर, पैसे देने के बाद में भी एक बहुत बड़ी प्रोसेस भी होगा, और सबसे बड़ी बात उसमें उसको करते हो वो सर कुछ कोई सपोर्ट नहीं पाउंड आईएसपी, और वो वायर वाला लाइसेंस है, वायर वाला किसका आता है सपोर्ट कोई नहीं, विदाउट वायर वाला आएगा नहीं, मैं तो होना ही चाहिए यार, मौजी बताओ और वायर वाले में स्पीड कम होती है, आपको ये बताऊं वायर वाले में आपका इंटरनेट लॉस है, हाँ वो आपको 60 मिलेगा, उसके बाद
सौ का चार चालीस उसका हाल उड़ गया और उसके बाद रोड जाओ पहले मजा आ रहा है और वहाँ कॉस्ट उसकी तीन गुना है, कंट्रोल रूम की भी कॉस्ट है, रेंटल की भी कॉस्ट है और कोई ऐप का सपोर्ट भी नहीं है और वो तब भी गया मुझे मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, मजा इसमें कितना मजा आएगा सर। कोई भी काम करो, जैसे कोई भी बिजनेस करो, कुछ भी करो, इवन पैसे के साथ में मेहनत भी लगती है और फिर भी रिस्क। आज सबसे पहली चॉइस हिंदुस्तान में किसी की अगर है तो वो ऐप बेस्ड बिजनेस है। सभी लोग वो जैप्टो की तरह ढूंढ रहा है, वो आज की डेट में चाह रहा है कि मेरी किसी आदमी से बातचीत ना हो पर पैसा ना, मैं एम्प्लॉई ना रखूं मुझे पैसा है, मेरे ऊपर ना रखूं मुझे पैसा है, मैं किराया ना दूं, डीजे में ना दूं, मेरी किसी झमेले में नहीं पड़ना, मैं सेटअप ना खोलूं ना बंद करूं पर मुझे पैसा है। तो वो ये बिजनेस है पैसिव इनकम, इसमें आपको एक एक रुपए की ट्रैकिंग मिल जाए घर बैठे बैठे, कैमरा बैठ के भी आपको आपका रुपया सेव हो और ट्रैकिंग मतलब आपके सोचो ये डिवाइस लगा कब सुना तो सर। हाँ सर, आप जैसे ट्रैकिंग की बात की तो मैं आपसे सर पूछना चाहूंगी कि सर ये जैसे आपने किसी ने वाईफाई लगा दिया तो ठीक है, उसको कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर में कितने लोग हैं या अर्निंग उसकी पहले कैसे। जब आपका पहले आपने वीडियो बनाई थी उस टाइम 200 मीटर का डिवाइस था, हां ये 200 मीटर का डिवाइस 200 यूजर के लिए एक ब्रॉडबैंड से घर के ब्रॉडबैंड से जो आपका लगा हुआ है, हां उससे आपको कुछ चेंज नहीं करना है, जो भी आपके घर में लगा हुआ है 600-700 रुपए आप दे रहे हो, मैं कह रहा हूं उसको आप अभी जो आप यूज कर रहे हैं वो यूजर के लिए यूज कर रहे हैं। आपके से वो आया आपने 600 रुपए 700 रुपए लगाया तो उसका तो हमें रेंट देना ही पड़ रहा है, देना ही उसका तो देना ही देना है, उसका 1000 रुपए उसके साथ में इससे इनकम भी हो जाएगी, उसको आप 1000 रुपए करो। हां अभी आपके पीछे वाले गली वाला भी आपसे बात नहीं करता क्योंकि आपके आपस में होता क्या होता, पीछे वाली गली वाला बात नहीं करता, सेम गली में 20-30 लोग रहते हैं, बात हां नहीं करते ना और आप बात करेंगे तो क्या करेक्ट हो जाएगी, वाईफाई ऑपरेटर बन गई है और आप 2-3 महीने सबको फ्री हो गए, कोई पैम्पलेट मार्केटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना और मिलेगा और 2-3 महीने जो पैसा मार्केटिंग में खर्च करते वो वाईफाई फ्री में दे दो। अगर आपने मैं कह रहा हूं 2000 रुपए का वाईफाई 3 महीने 6000 रुपए का वाईफाई फ्री दे दिया और सारा बोला जाने लग गया कि अंजू जादौर कौन है, अंजू जादौर कौन है, तो और क्या चीज है, अब आप कहते हैं मुझे कैसे पता जब आपने ऑन किया सबके फोन पर दिखाई दिया वाईफाई ये हमारा ठीक है, ऑन करेंगे तो अभी फोन पे वाईफाई दिख रहे हैं, अब आपका अब पहले का वाईफाई आप एक्स वाई जेड कोई भी पासवर्ड रखते थे इसका क्या दिखाएगा पीओ वाली और ये वो वाईफाई का पासवर्ड है जो यहाँ से लेके कन्या कुमार एक बार आपके यहाँ से डाल दिया उसने, तो ये वाईफाई पूरे कन्या कुमार द्वारा पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा रोमिंग। सर रेंज कितनी होती होगी इसकी? 200 मीटर से जाएगा बिना वायर। अच्छा बिना वायर आप आज एक पैन लेके आए और लाते 200 पैन में कितने पैन लेंगे इस साल में ये कर जाएगा लाते 200 पैन में ये कितने पैन लेंगे आप ऐसे डाल देंगे तो एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई करते हैं एक चीज ये हो रही है ना ये 360 डिग्री पे काम करेगा। अच्छा ये हमारा 180 डिग्री ये डिवाइस जो था हमारा 180 डिग्री था, ये डिवाइस हमारे पास 360 डिग्री है, ये 360 डिग्री डुअल बैंड है, ये सिंगल बैंड है, मतलब इसकी पावर ज्यादा है, ये 100 मीटर था 200 मीटर पहले मैंने वीडियो बनाया था तो 100 मीटर वाला था, अभी डुअल बैंड 360 डिग्री जो है इसको हमारे पास स्टॉक नहीं होता है, मतलब हालत होती है कि पहला पहले मैंने एडवांस देता है उसके बाद भी उसे कहते हैं 4-5 दिन मुझे भाई क्योंकि ऑर्डर ज्यादा है सप्लाई पीछे कम है क्योंकि इसमें रेडियो सर्वर इसमें क्लाउड सर्वर सब के अंदर इनबिल्ट है, जो आप सेमी कंडक्टर पूछे शॉर्टेज होगी पूरे वर्ल्ड वो इसमें लगा हुआ। मैंने गाड़ी दी थी 2.5 लाख तो उसे कहा एक चाबी मिलेगी अभी रेडियो सर्वर पहले बता रहे हैं आप, दूसरी चाबी अभी मुझे लेनी नहीं थी, मैं चुप मैं ठीक है तू अभी तक उसी चाबी नहीं है वही सेमी कंडक्टर उसकी चाबी में था और वही कैसे मिलेगा इसमें, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस लोगों कहते हैं कैसे सप्लाई है भाई सप्लाई आई कहां से सेमी कंडक्टर तो नहीं है, जब 22.5 लाख की गाड़ी में सेमी कंडक्टर नहीं मिल रहा और उसमें वो कह के बेच रहा है झूठी बोल रहा हूँ साहब कह रहा भैया यही है पूरे वर्ल्ड में शॉर्टेज और वही इसमें सेमी कंडक्टर के बिना क्लाउड सर्वर से कनेक्टेड है, आप सोचिए कि यहाँ से क्लाउड सर्वर लगा हुआ क्लाउड सर्वर क्या होता है कंट्रोल रूम बनाते थे गवर्नमेंट कहती है 2 साल तक जब भी इंटरनेट बेचेंगे या वाईफाई बेचेंगे इंटरनेट दोनों दोनों में से कुछ भी बेचे आप 2 साल के लॉ
उसका आईपी एड्रेस किसने कब खोला, जैसे कॉल आउट मांग लेती हो कि भाई मैं कुछ डाटा लगी उससे, कॉल आउट मांगती है कोई तो कॉल आउट रखेगा, गवर्नमेंट कहती है दो साल तो गवर्नमेंट के नाम रखेंगे ना आप रखा कि ना मेरे कॉमो पहले भी थर्ड पार्टी कॉल्स उसके हो इस डिवाइस का 1500 रुपये खर्चा भी नहीं होगा साल का, एक साल का 1500 आपके आपकी कोई एडिंग नहीं है, सारे कॉल भी हमने मेंटेन कर दिए। सर आपसे कोई जुड़ना चाहता है तो उसका प्रोसीजर क्या है? हमें एक आधार कार्ड चाहिए उसका, जो भी आधार कार्ड पैन कार्ड, और एक हमें इसकी लैपटॉप चाहिए जहाँ पे वो डिवाइस को लगाएगा, जैसे अभी जाके सिग्नल है हम इसके एड्रेस को नहीं समझते, गवर्नमेंट की सेंट्रल रजिस्ट्री है, गवर्नमेंट की सेंट्रल रजिस्ट्री मतलब जैसे प्लॉट लिखते हो आप ये बेच रहे हैं अपनी को, सब लोग जाके एक जगह रजिस्ट्री को लगाते हैं क्योंकि वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है पूरे इंडिया के रिकॉर्ड्स में, वैसे ही डिवाइस का रिकॉर्ड भी सेंट्रल रजिस्ट्री में, गवर्नमेंट की सेंट्रल रजिस्ट्री बना दी, चाहे डिवाइस आपका आना चाहे डिवाइस आपका आना चाहे वो गया चाहे मैं, पूरा रिकॉर्ड रहता है सबका रिकॉर्ड, अभी दिखा पाऊंगा सबके डिवाइस लाइव दिखाई दे रहे हैं, लैब इनटू कंप्यूटर साथ में हर मैक आईडी के साथ अटैच होता है, लैपटॉप वो देगा ये देगा फिर बैलून दिखाई देगा कहाँ गया है इसका आईडी ना कहाँ गया है इसके आईडी से आप इसके में जाओ चाहे इसके में जाओ आपस में ट्रीटी है भाई, ट्रीटी मतलब गुल्लक के अंदर मेरा यूजर आपके में आपका यूजर मेरे जितनी देर आपका यूजर मेरे पे आएगा मेरे को पैसा मिलेगा उसको रोकिंग का, इसके सोचिए इस आईडी लेके जाओ तो लोग उठ रहे हैं, इसमें आप अपने यूजर का है और मॉडल यूजर जा रहे हैं, आपके यूजर आप कम होंगे और मॉडल यूजर ज्यादा होंगे क्योंकि मॉडल यूजर सारे बना रहे हैं आप जाके ज्यादा होंगे और कोई हमेशा और कोई ज्यादा आपसे बातचीत नहीं कर रहा और गवर्नमेंट भी रेफर नहीं, गवर्नमेंट 18% जीएसटी काट के आपको पैसे दे दे और क्या चाहिए सर, सबका भी रेफर गवर्नमेंट है तो सर इसका खर्चा कितना आएगा? इसका वीजा प्लस टैक्स है, वीजा प्लस टैक्स 10,000 रुपए आपके वन टाइम देते हैं, अच्छा वन टाइम 10,000 बाद में पे करने होंगे, 10,000 प्लस 20,000 ईवी है और अगर फ्रेंचाइजी है तो आपको बेनिफिट और मिल जाता है कि आपको वहाँ की मिलिट्री 50,000 में आपको रीच भी दे देंगे, वेबिनार सपोर्ट भी देंगे आपको, 3-600 आम वो देंगे आपको वेबिनार सपोर्ट देंगे, 600 वीडियो हमारी यूज करिए आप कट कॉपी पेस्ट करके अपना चैनल बनाइए और सारी वीडियो डालिए आपकी भी 20 वीडियो मिलेगी अच्छे से, मैंने वो कहा है कि आप उस मत करना अपना चैनल बनाओ, तो सर एक एरिया में एक ही को फ्रेंचाइजी देंगे? हम एक एरिया में एक ही देते हैं 19,100 एक एरिया में एक पिन कोड एक ही फ्रेंचाइजी बाकी के जो नीचे बनाएंगे नहीं हमारे पास कोई आएगा तो हम रेटिंग दे सकते हम तो इतना पढ़ सकते डिवाइस ही देगा मार्केटिंग मटेरियल कोई मिलेगा टेली कमीशन मिलेगी मतलब जो का दिल्ली वाला था वो कब आप तो लोगों के लिए बेस्ट है ना जो सीकर के आसपास के हैं या कहीं भी हैं तो उनको दिल्ली आने में हर किसी के पास टाइम नहीं होता है कम से कम वहीं कम से कम ट्रेनिंग भी उनको मिलेगी उनका खर्चा भी बचेगा उसमें कम से कम 3,000 पकड़ जाएंगे 3,000 पे मात्र रहते हैं वो भी तब जब ये होटल में नहीं रहेगा हां होता सर खर्चा तो होता है हमने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 300 रुपए में रहने का अरेंजमेंट करा हुआ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन वो भी वीडियो पे अगर सुन रहा है अपना व्हाट्सएप करे हमारा एम्प्लॉय जो है इमीडिएटली उसको वीडियो भेजेगा 300 रुपए में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में रहने का अरेंजमेंट किया होगा 700 रुपए में होटल अरेंजमेंट किया होगा 700 रुपए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और सभी कॉल सेंटर वाले सबके वीडियो वीडियो सब कुछ है नंबर वीडियो सब दिया हुआ हर कॉल सेंटर के एम्प्लॉय के पास उसके बाद भी देते जब आगे या नहीं देंगे और मेरे हर वे मैं बताता हूँ कि भाई आओगे तो आपके पहले तुम्हारे पास वीडियो होनी चाहिए तुम्हारे पास ये होना चाहिए आपने सीधा बैग पे तैयार हो गया तो आप सोचिए कि आपने सबकी मैंने खुद जाके वीडियो बनाई मतलब उस होटल की वीडियो बनाई है मैंने और वो 300 रुपए का बैठ कैसा है उसकी वीडियो सबकी वीडियो हां मैडम अरे कमाल है ऐसे थोड़ी ना मैंने खुद बनाई है ये होना भाई मेरा एम्प्लॉय बना गया क्यों क्योंकि इतनी माइनूटली हम सोच रहे हैं और वो दर्द है क्योंकि वहां से बंदा चला अब इसको ये सबसे बड़ी बात ये दिक्कत होगी मैं बड़े बैग का आधे लोग तो डर के मारे चले नहीं आ रहे नहीं आते ना सर हर कोई नहीं आता लोगों को समझ सही बात कुछ लोगों को डर भी लगता है कि मैं दिल्ली कैसे ढूंढूंगा कहां पे हर किसी को थोड़ी ही होती है भाई आपने कर देना आपको सबको साथ है और अपने एरिया में तो कहते नहीं है अपनी जगह पे सब शेर होते हैं
कोचिंग के लिए मैंने बताया फ्री एजुकेशन देता हूँ बच्चों को। तो सर फ्री एजुकेशन आप कैसे दे देते हैं, क्योंकि फ्री एजुकेशन तो कोई देता ही नहीं है। यही तो है मेरे समझना तो बात है। मैंने आप फ्री एजुकेशन तो ये बात तो देते नहीं है और दे रहे हो कि देते कैसे, यही समस्या है सर। मैं ये दे रहा था तो दे दो ना, वो कह रहा मैं दूंगा। आप ऐसा नहीं दे रहा हूं सर, उल्टा दे भी करते रहने वालों दिया चार चार संस्थाओं को दे रहे हैं। ये कैसे दे रहे हैं सुनिए, ये कह रहे हैं इन्होंने क्या करा, एक तरह से फ्री एजुकेशन जो दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कोचिंग फ्री में दूंगा, ये कह रहे हैं रहना खाना मिलू। रहना खाना मतलब कि राजस्थान में रेंट बहुत ज्यादा नहीं है, राजस्थान के अंदर बहुत भारी कमर्शियल रेंटल नहीं है। ये मान लो उसमें से 6,000 रुपये ले रहे हैं खाने रहने का, उसमें से आप मान लो 1,000 रुपये बचा लेगा उसी को एडमिट मान लो। तो फ्री एजुकेशन का मतलब है इसने वो भी उसमें से 1,000 रुपये लगा, 250 बच्चा रखा हुआ है, 250 बच्चा हॉस्टल में जा रहा है, 1,000 बच्चा भी सो खर्चा होगा 2,500 बच गया। फ्री एजुकेशन की वजह से बच्चे भी बढ़ रहे हैं वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन होगी। और रहने का क्या है, कोई बच्चा दूसरे को कह रहा है अरे भाई वो कोचिंग वाला कोचिंग के भी पैसे लेगा, रहने के भी लेगा, खाने के भी लेगा, ये एक तो छोड़ रहा है कम से कम 2,000। नहीं होता है उतना पढ़ने के लिए और पढ़ने में अच्छे होते हैं, तो अच्छा है फ्री कोचिंग है। नहीं मैं मैडम इस वीडियो के माध्यम से ये भी कह दूंगा कि कहीं से भी मेरे राजस्थान में कहीं से भी 200 लोग, मैं नहीं कहूंगा कि हॉस्टल में रहो मत रहो, कहीं से पोर्टफोलियो जो है ना 200 लोगों का होना चाहिए कम से कम। मैं वहीं मेरी संस्था चालू कर दूंगा सच माइंड ट्रेनिंग के नाम से, गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो आ जाएगा ऑटोमेटिक, सारी चीज डिटेल्स पड़ी है। तो 200 बच्चे कहीं से भी अगर खड़े हो जाते हैं कि हम कोचिंग करना चाहते हैं, हॉस्टल में मत रहो, सिर्फ मेरी कोचिंग में आओ और अपने घर जाओ, मुझे कोई पैसा नहीं देना उनको, कोई पैसा नहीं देना। सर आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पढ़ाई क्या बता रहा हूं, और पढ़ाई का मतलब ऐसे नहीं सच माइंड ट्रेनिंग, मतलब नाम से सच माइंड ट्रेनिंग नाम से ही मतलब मालूम चल जाएगा कि मेरी कोचिंग में मिलता क्या है। और ऐसा भी नहीं कि इतने बच्चे मेरे पास ऐसे ही बैठे हैं। तो सर आपने टीचर्स वगैरह लगा रखे हैं। और आपको इसका पूरा नाम बताऊं मैडम आपको, सच माइंड ट्रेनिंग का सस्पेंसफुल एटीट्यूड कंसियर हरवित, मतलब ऐसे पूर्ण मनोवृत्ति के वैज्ञानिकों द्वारा पढ़ाई करवाता हूँ। ऐसे नहीं कि कोई आया अगर कुछ बता के चला गया कि कौन सा पैसा ले रहा हूँ तो बच्चों का टाइम खराब करूंगा। और अभी जो आप मैंने बताया ना 50 सीट तैयार कर रहा हूँ पीएम वाणी में, ये वही तो बच्चे हैं मैडम जिनको मैं जॉब दूंगा यहाँ। नहीं लगता आसान नहीं है सर, अगर वहाँ बच्चों को कल से जॉब मिल जाए और वो जो लेवल है उसका एकदम उसको कुछ नहीं मिला और इमीडिएट जो वैक्यूम क्रिएट होता है उसी टाइम साथ साथ काम मिल जाए उसको, कितने लोगों का माइंड ठीक रहेगा। तो सर उस बच्चे ने सुसाइड किया आपने उसकी गई, तो सबसे मेन उसमें क्या है गलती, टीचर्स की भी होती है पेरेंट्स की भी होती है। स्कूलों में आप देखिए कि ज्यादातर जो टीचर्स वगैरह होते हैं एक पढ़ाई पढ़ाई के साथ में बच्चे को बिजनेस की भी एजुकेशन देनी चाहिए, माइंडली प्रिपेयर रहना चाहिए बच्चा।
सर पेरेंट्स भी अपने बच्चे के दिमाग में भर देते हैं कि तुम्हें जॉब करनी है, जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। मेजर जो पेरेंट्स का है क्योंकि बच्चा रहा है मैक्सिमम टाइम पेरेंट्स के साथ। हां सर, बाहर कोटा में गया वो 6 महीने के लिए, बाकी टाइम रहा आपके पास, तो वो आपने फीडिंग दी है, आपने उसको एलिमेंट बनाया है। हो सकता है बच्चा भी एलिमेंट हो, मैं मान सकता हूं बच्चा भी जिद्दी होते हैं, मैं तो पापा यही करूंगा, बट उसको भी वाली बात बोल बोल के किसने उसको जा के प्रिपेयर रखना चाहिए कि आपको जॉब मिले तो, जॉब ना मिले तो आप बिल्कुल बिल्कुल अपना आप बिजनेस के लिए भी आप प्रिपेयर रहो। बिल्कुल फेस्टिवल होना चाहिए, आज वर्ल्ड की अपॉर्चुनिटी चेंज हो रही है पूरा, मतलब इवन आज भी पहले सोशल मीडिया आज एक लैपटॉप से आप बिना ऑफिस खोले एक रूम में मोबाइल से कमा रहे। तो सर मैं, मेरा भी बच्चा है तो मैं उसको पढ़ाई के साथ में हर चीज में एक्सपर्ट बनाती हूँ, मैडम आपको एक बात बोलू, ये पीएम वाणी अगर आपको डेप्थ तक समझ में आ गई ना, डेप्थ तक समझ में आ गई पीएम वाणी, तो मैं कह रहा हूँ इस ऑफिस में इतनी जगह नहीं, इतने कल आ जाएगा। अरे हाँ सॉरी रितेश, एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग लगे थे डिस्कशन में, बड़ा भूल गए कि आप लोग बैठे, आज बड़ा हॉट डिस्कशन हो रहा था, मैडम ने कुछ ऐसी बातें पूछ ली जो मैडम को बतानी जरूरी थी, मैडम कई दिन बाद आई है, तो अब मैं थोड़ा आता हूँ इसके ऊपर, वाइफ ऑपरेटर्स के ऊपर। जो लोग बोर हो गए वो छट गए होंगे, अब कुछ लोग क्रीम रह गई होगी, तो पिंच हिटर होते हैं ना, पिंच हिटर्स पिंच हिटर होते हैं ना, मतलब जो बैटिंग बॉलिंग करके, मतलब अभी तो अभी मैं वही बात करता मैडम से कि ऐसा कितने लोग हैं पूरे इंडिया में जो सीरियसली ले रहे हैं पीएम वाणी को, और ऐसे कितने लोग हैं जो पीएम वाणी के ऊपर नॉन स्टॉप एक घंटा बोल सकते हैं, तो ऐसे कितने, मैं मतलब ये एक चैलेंज हम थ्रो करते हैं कि एक घंटा पीएम वाणी के बारे में आपको बोलना है, तो बेसिकली बोलना, जब एक घंटा बोलना पड़ता है तो कम से कम 10 घंटे की नॉलेज होती है, तो एक घंटा बोल पाता है, मतलब आप 10 घंटे आप बोल पाएंगे तो एक घंटा, मतलब कई लोगों को एक घंटा बड़ा मुश्किल से कवर कर पाते, और हम पीएम वाणी के लिए एक घंटा सोचिए, अब 24 घंटे लगातार बोल सकते हैं पीएम वाणी के, आज हमारी पोजीशन ये है कि 24 घंटे कोई बोलेगा नॉन स्टॉप पीएम वाणी बोलना, मैं रिपीट भी नहीं करूंगा तो भी 24 घंटे कम पड़ेंगे, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। उसका रीजन क्या है कि इसमें मैं अब आपको थोड़ा बताता हूँ, अब हम शुरू करते हैं। मैं आपको मिलवाती हूँ गौरव सर से और वाईफाई ऑपरेटर के जो सर ऑनर हैं, तो सर मैं आपके बारे में सर जानना चाहूंगी। बैठिए मैडम आप इधर आइए, इवन मैं पूरा देता हूँ। देखिए मैं, अंजू जाधव जी आ चुकी हैं, और अंजू जाधव जी के साथ पहले भी वीडियो देखी होगी आपने वाईफाई ऑपरेटर्स में, तो पहले मैं बता देता हूँ कि आज हिंदुस्तान में मैडम एक टाइम आ चुका है कि जितने भी लोग वाईफाई लॉक करे बैठे हैं उसको अनलॉक करने का टाइम आ गया है, और जितने इंटरनेट यूजर थे अब वो वाईफाई सेलर बन सकते हैं, और सारे वाईफाई लॉक्स खोलने के लिए अब गवर्नमेंट लालच भी दे रही है, लाइसेंस भी दे रही है बेचने का, मतलब लाइसेंस दे रही है आपको बेचने के लिए और लालच दे रही है कमाने के लिए। तो अब आप हिंदुस्तान का पहला पब्लिक वाईफाई नेटवर्क देखेंगे जो पब्लिक ही बनाएगी, पब्लिक ही यूज करेगी, पब्लिक ही कमाएगी, आज तक जो नहीं हो पाया हिंदुस्तान में वो अब होगा, तो आप भी वाईफाई सेलर बनिए। इसमें मैडम तीन चीज चाहिए, इसमें बड़ा पहले सिंपल है वो भी लिखा रहा हूँ, और प्लस पहले मैं बताता हूँ आपके घर में, जिसके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, जो ब्रॉडबैंड खुद यूज करते थे आप, मैं कहता हूँ कल से आप ब्रॉडबैंड जो यूज कर रहे हैं उसी ब्रॉडबैंड के आगे आप ये डिवाइस लगाइए, पीडीओ पब्लिक डाटा ऑफिस, और ये लगा के आप एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई कनेक्शन बेचे 200 मीटर की रेंज तक, 360 डिग्री डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, 360 डिग्री डेवलपमेंट का मतलब ये है, पीडीओ का मतलब पब्लिक डाटा ऑफिस, जैसे कि एसटीडीपी से होते थे, आप पीडीओ आ गए, इसके डेली वेबिनार हम दे रहे हैं 4 से 5 गूगल मीट पे, एवरी डे 4 से 5 डेली वेबिनार हो रहा है। वेबिनार में क्यों लेने पड़ रहे हैं वेबिनार और क्यों समझना जरूरी है वेबिनार में, तो वेबिनार का मतलब सिर्फ ये है कि इसमें हम ऐप भी दिखाते हैं, इसमें आपको एक डिवाइस चाहिए, एक ऐप चाहिए और एक लाइसेंस चाहिए, तो मैं अभी पहले ऐप दिखाता हूँ आपको, जिससे कि आपको पता लगे कि जो आपका क्वेश्चन था कि रिचार्ज कैसे दिखाई देगा, कैसे हम आज की डेट में करेक्ट करेंगे, कैसे हमारी इनकम आएगी, क्या डैशबोर्ड है। देखिए अभी तक हमने ऐप का डेमो कभी भी दिखाया, वेबिनार्स में दिखाया है, यूट्यूब पे पहली बार दिखा रहे हैं, मतलब यूट्यूब पे किसी ऐसे चैनल पे जिसके से इतने सब्सक्राइबर हैं, तो अभी ऐप का डेमो मैं पहले इससे दिखाऊंगा, सुशांत दिखाएगा, और इसमें हम सबसे पहले ये भी दिखाएंगे पीएम वाणी में कितने लोग जुड़ चुके हैं पूरे इंडिया में,
तो मैं चाहूंगा पहले वो खोलिए आप कि पीएम वाणी में कितने लोग जुड़ चुके हैं पूरे इंडिया में, आपको भी लाइव दिखाऊंगा और आप भी दिखा सकते हैं। तो ये अभी आपके सामने है और आज मैं कुछ लोगों के टेस्टिमोनी भी कराऊंगा जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैसे हमारे साथ सीकर में है जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप पीएम, हमारे साथ आजमगढ़ से आए हुए हैं उनको भी मिलाऊंगा। और ये देखिए पीएम वाणी लाइव, ये स्टेटस है पीएम वाणी का, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप जो देख रहे हैं ब्लू और रेड, हम इसको जूम करते हैं ना, इंडिया का मैप खुल चुका है। इंडिया के मैप पे जो ब्लू और रेड दिख रहा है, ब्लू वाला आपका प्राइवेट प्लेयर है जो हमारे डिवाइसेज हैं, आपके डिवाइसेज इस टाइम से पूरे इंडिया में फैल चुका है। और डे बाई डे देखिए आप हर जगह की आपको दिख रहा है, कहीं दो कहीं सात, ये आप बैलून जो दिख रहे हैं ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, मतलब जहाँ पे भी डिवाइस लग रहा है हर डिवाइस की एक मैक आई डी है और उस मैक आई डी के साथ आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिस्ट हो जाता है, एक तरह से गवर्नमेंट की नज़र में आपका एंटीना दिखने लग जाता है और वो एंटीना ऊपर से इस तरह से दिखाई देता है। ये मैंने इंडिया का मैप खोला हुआ है और मैं जूम करता जा रहा हूँ और ये हिंदुस्तान में पीएम वाणी किस तरह फैल रहा है, किस तरह से ये लोग आज की डेट में देखिए कहीं 59 और रेड जो है वो गवर्नमेंट के राउटर्स हैं, गवर्नमेंट मतलब जिसमें रेलटेल आ गया, बीएसएनएल आ गया, इनके वाईफाई जो है वो रेड है, रेड का मतलब गवर्नमेंट, और डे बाई डे ब्लू बढ़ता जा रहा है रेड कम होता जा रहा है, इसका मतलब प्राइवेट प्लेयर जो है वो फास्ट भाग रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट के तो सोचो इतने साल से लगे हुए थे, प्राइवेट प्लेयर ने पिछले एक साल में इतने ज्यादा लगा दिए हैं और डे बाय डे वायरस की तरह लोग कहते हैं फैल रहा है, तो बता दूं वायरस की तरह नहीं फैल रहा, वायरस से फास्ट फैल रहा है कि आज की डेट में वायरस को तो गवर्नमेंट भी रोक रही थी, लोग भी रोक रहे थे, इसको गवर्नमेंट भी धक्का मार रही है, लोग भी धक्का मार रहे हैं। तो आज की डेट में देखिए आप पूरे इंडिया में लोग कहते हैं कि कहां, तो बेसिकली ये आज की डेट में इंडिया में पीएम वाणी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और आज भी 1% लोग पीएम वाणी के बारे में जानते हैं, आज मुझसे कोई पूछता है कितने परसेंट लोग जानते हैं तो सिर्फ 1% के आसपास, आप 100 लोगों से पूछना 99 लोग ये कहेंगे मैं नहीं जानता, उल्टा हो सकता है 100 जाने, तो आप इससे आइडिया लगा लीजिए कि कितना स्कोप है अभी। बट हाँ ये बहुत फास्ट हो रहा है, इतनी फास्ट हो रहा है कि मतलब आज की डेट में हर कोने में, अब मैं दिखाता हूँ ऐप के बारे में, सुशांत दिखाएगा ग्लोबल डैशबोर्ड, ऐप क्या है कैसे, आपको तीन चीज की जरूरत है, मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप कल से वाईफाई बेचना चाहते हैं, रिचार्ज इनकम कमाना चाहते हैं, आप रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं और रिचार्ज रेंटल और एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू कमाना चाहते हैं, ये मैं आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आज बात करेंगे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अलावा इंटरनेशनल वाई फाई ऑपरेटर में आप कैसे जुड़ सकते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज में, 86 कंट्रियों में आज की डेट में वाईफाई का डिमांड है, सेम टेक्नोलॉजी हमारा ग्लोबल डैशबोर्ड है जो कल आप वाई फाई ऑपरेटर भूटान वाई फाई ऑपरेटर दिया, अभी आपको डैशबोर्ड दिखाते हैं, डैशबोर्ड स्टार्ट करिए, अभी हम सुशांत के पास लेके जा रहे हैं आपको, नमस्कार मेरा नाम सुशांत है। देखिए अभी मैं आपको ये डैशबोर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ, ग्लोबल डैशबोर्ड के बारे में, जो डैशबोर्ड का नाम है हमारा ग्लोबल डैशबोर्ड, ठीक है। तो गौरव सर मैं चाहूंगा कि आप ग्लोबल डैशबोर्ड के बारे में बताता हूँ आपको, ग्लोबल डैशबोर्ड बार बार लोग पूछते हैं क्यों है, ग्लोबल डैशबोर्ड जो है आज की डेट में इसलिए है क्योंकि वाई फाई ऑपरेटर भूटान, वाई फाई ऑपरेटर मलेशिया, वाई फाई ऑपरेटर फिलीपींस, वाई फाई ऑपरेटर कनाडा, आज हर कंट्री को इस डैशबोर्ड की जरूरत है क्योंकि वहाँ पे वाई फाई कॉलिंग, वाई फाई इंटरनेट, वाई फाई रोमिंग, हर आदमी चाहता है कि मेरे यहाँ पे वाई फाई हॉटस्पॉट्स का पूरा नेटवर्क खड़ा हो, पब्लिक खड़ा करे इस नेटवर्क को और पब्लिक यूज करे, पब्लिक कमाए। ये मॉडल जो इंडिया ने आज ईजाद किया है, जो इंडिया का मॉडल है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉर्चुनिटी दी है, यही सेम डैशबोर्ड हमारा रेडी है इंटरनेशनल लॉन्च करने के लिए और हम लोग बहरीन, 22 कंट्री हैं अरब कंट्रीज, वाई फाई ऑपरेटर बहरीन, वाई फाई ऑपरेटर कतर, वाई फाई ऑपरेटर ओमान, हम हर कंट्रीज में टच कर रहे हैं और हर कंट्री में आप भी टच कर सकते हैं, हम आपको आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप उन कंट्रीज को इमीडिएटली लाइन पे लीजिए, आप उनको पहले बुलाइए आप अपने वेबिनार में और वेबिनार के बाद हम उनको ऑनलाइन अलग से डेमो रख देंगे उनके लिए और वहाँ पे आप कनेक्ट करिए इमीडिएटली वहाँ के लोकल बंदों को और वहाँ पे हम टेक्नोलॉजी ट्रीटी एग्रीमेंट और टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर बन जाएंगे और उनकी लैंग्वेज में इस डैशबोर्ड को हम रेडी करके दे देंगे। डैशबोर्ड इंटरनेशनल रोमिंग के लिए भी रेडी है, पोर्ट के लिए भी रेडी है। पोर्ट का मतलब है आज हमारा डैशबोर्ड है जो आप किसी भी और कंपनी से खरीदा हुआ जो कि नहीं चल रहा डिवाइस जो पोर्ट होना चाहता है उसको भी हम पोर्ट लाइव पे ला रहे हैं। ऑलरेडी 100 डिवाइस से ज़्यादा पोर्ट कर चुके हैं जो किसी और के राउटर से जो आज की डेट में काम नहीं कर रहे थे जिनको हमें पोर्ट किया है। आज हमारे साथ गुजरात से रितेश ज्वाइन कर चुके हैं जो आज बड़ौदा में बैठे हुए हैं। रितेश एक बार हैंड शेक करके बताइए, मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको। आज कोलकाता से पूजा मैडम जुड़ चुकी हैं, हमारे उन्नाव के लोग जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा सारे अपने फेस को ऑन करिए और डैशबोर्ड के लिए सुशांत रेडी है,
तो प्लीज बताइए डैशबोर्ड के फीचर्स, और आप लिख सकते हैं, बाद में सुशांत का नंबर मिल जाएगा आपको, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, आपको सुशांत का नंबर, मेरा नंबर सबको मिल जाएगा, रितेश का नंबर भी मिल जाएगा सबका, आप नंबर टाइप करते रहिए सुशांत साथ साथ। तो देखिए ये जो हमारा डैशबोर्ड ओपन है, जैसे कि आप अपने डिवाइस जहाँ पे भी लगा रहे हैं, आप कैसे अपने डिवाइस का ट्रैक चेक करेंगे, आप क्या क्या इसमें ट्रैक चेक करेंगे, कैसे आप अपनी पेमेंट की रिपोर्ट निकालेंगे, कैसे आप ये चेक करेंगे कि मेरे डिवाइस पे कितने लोग यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी देख पा रहे हैं आप, यूजर सब्सक्रिप्शन स्टेटस लास्ट 30 डेज का आप चेक कर सकते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे परसेंटेज टाइप का शो कर रहा है। फिर उसके बाद इसमें टुडे और स्टेटस का भी स्टेटस चेक कर सकते हैं, कल और आज के मेरे डिवाइस पे कितनी एक्टिविटी हुई, कितने लोग आए, वो कल और आज का भी आप यहाँ पे स्टेटस अपना डिवाइस का निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट स्टेटस भी लास्ट 30 डेज का आप चेक कर सकते हैं, किस मेथड से हमारे पास पेमेंट है, कार्ड के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे लास्ट 30 डेज का। फिर उसके बाद देखिए इसमें ऑर्डर स्टेटस हो कर, ऑर्डर स्टेटस भी आप लास्ट 30 डेज का चेक कर सकते हैं इसमें, कि लास्ट 30 डेज के अंदर मेरे डिवाइस पे कितने लोग आए, कितने क्रिएट करे, कितने सक्सेस करे, तो भी आप यहां से निकाल सकते हैं अपना रिपोर्ट। फिर उसके बाद यहां पे अभी देख पा रहे हैं टॉप 10 पैकेज यूज्ड बाय सब्सक्राइबर, यानी टॉप 10 पैकेज कौन यूज करा है लास्ट 30 डेज के अंदर, उसका भी रिपोर्ट यहाँ से आप अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। ये डैशबोर्ड है हमारा। फिर उसका रिपोर्ट आप कैसे निकालेंगे वो मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको, अगर यहाँ तो 30 डेज का शो कर रहा है, इसका आपको 2 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का कैसे रिपोर्ट निकालना होता है, तो रिपोर्ट मैनेजमेंट से अपना रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑर्डर स्टेटस पे जाएंगे तो जितने भी आपके डिवाइस पे ऑर्डर होगा हो रखा उनका रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। फिर पेमेंट, जितने भी आपके डिवाइस पे पेमेंट आई है उसका रिपोर्ट प्रॉपर निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे अपने पीडीओ इंस्टॉल, उस पीडीओ से कितना इनकम आया, दूसरे वाले पीडीओ से, अलग अलग लोकेशन में अपने पीडीओ लगाते हैं लोग, यहाँ से अपना रिपोर्ट अपना प्रॉपर डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे डिवाइस पे कितनी पेमेंट आई है, पिछले महीने में कितना आया, एक दिन में कितना, प्रॉपर आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद यहाँ पे लाइव सेशन भी चेक कर सकते हैं, मेरे डिवाइस पे कितने लोग लाइव यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे रोमिंग का रिपोर्ट भी यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं इस डैशबोर्ड के डैशबोर्ड से, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं लॉक्स, लॉक्स में जितने भी आपके डिवाइस पे अब तक KYC हो रखे उनका भी रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं प्रॉपर, यहाँ रिपोर्ट मैनेजमेंट में जाके। हमारा प्रॉपर यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड का एक्सप्लेन अभी कर दिया, मान चलो किसी को समझ नहीं आया तो मेरा ऑलरेडी नंबर नीचे मेंशन रहता है, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से डायरेक्टली समझ सकते हैं, रिमोटली समझ सकते हैं, ठीक है। ओके क्या, हाँ जी सर, ऐप भी दिखा दी, हाँ ऐप वो दिखा दे डैशबोर्ड। तो देखिए आज हमने थोड़ा शॉर्टकट मारा है, ये है कि जो YouTube पे जाती है वीडियोस पे बहुत लंबा नहीं बोल सकते, उसमें हमारे पास टाइम फ्रेम होता है, उसमें हम चाहेंगे कि देश उधर से बड़ौदा को आप बताओ अपने बड़ौदा के मिशन के बारे में, गुजरात के बारे में, निधि को भी हम रिकॉर्ड करेंगे, तो वेबिनार्स में सबको चांस मिलेगा, एंड मैं चाहूँगा सब लोग अभी दोबारा से अपने उस पर आ जाए। एंड रितेश आप अपनी बाइट भी भेजना चाहो तो अपनी बाइट भी भेज सकते हो, बाइट अगर आप शूट करके भेज दो तो वो आपका इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इसमें, क्योंकि वीडियो आज पब्लिश नहीं होगी, वीडियो ऑलमोस्ट आप मान के चलो हमारे पास टाइम है 2-3 दिन का जब एडिट होगी, तो आप अपना छोटा सा बाइट 1 मिनट का, 2 मिनट, 1.5 मिनट का, 1 मिनट मतलब आप मान के चलो 1 मिनट का बाइट होना चाहिए, उसमें बड़ा क्रिस्प होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए कि अल्टीमेटली हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं और हमारा फ्यूचर है वहाँ पे, हम गुजरात के बारे में क्या सोच रहे हैं और कितने लोग हैं जो ऑलरेडी आज की डेट में, जैसे आज की डेट में ऑफिस का अपनी छोटा सा ऑफिस दिखा सकते हो, साथ साथ ऑफिस का टूर कराइए और साथ साथ अगर आप दिखा दें तो वो ज़्यादा बेटर है, उसका रीज़न क्या, वो ऑफिस का टूर भी कर लें, आपसे मिल भी सकें और आपसे बात भी कर सकें, तो उससे बड़ा इम्पैक्टफुल होता है। सेकेंडली वेबिनार्स में आप डेली आइए, उसका रीज़न क्या हो रहा है कि वेबिनार्स में जब आप आते हैं तो हम लोग वहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, और जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जितनी बार भी गुजरात में जितने भी लोग गुजरात से जुड़े हुए हैं उनके लिए रितेश हैं, कोलकाता में जैसे पूजा है हमारे, जम्मू में हमारा आज की डेट में फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूटर हमारा, तो मैं कहूँगा कि अब हम थोड़ा सा वेबिनार पे ही आए अपने उस टॉपिक पे ही कि आज हिंदुस्तान में क्या है फ्यूचर वाईफाई का, तो बता दूं कि गुटखा बड़ा है या वाईफाई बड़ा है, ये डिबेट बहुत बड़ा है। गुटखा, गुटके वाले करोड़पति बन गए जबकि गुटके को लिखा हुआ है कि इसे बेचना मना है, ये ऐसे खाने से हानिकारक है, और उसके बाद भी गुटखा बन रहा है, बिक रहा है,
और गुटखा की पैकेजिंग भी करनी पड़ती है, गुटके के लिए आपको मतलब जुबा केसरी के लिए सलमान खान जैसे हीरो भी हायर करने पड़ते हैं, फैक्ट्री भी लगानी पड़ती है, उसके बाद गुटखा बढ़ा या वाईफाई बढ़ा, तो मैं हमेशा कहता हूँ वाईफाई बढ़ा गुटके से। एक और चीज गवर्नमेंट रोकने में लगी हुई है, लोग उस पर लिख रहे हैं कि हानिकारक है, और एक में गवर्नमेंट धक्का मार के कह रही है कर लो, तो उसके बाद भी हम ना करें, और जिसमें कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, कोई हमने मतलब किसी को हायर नहीं करना, और बच्चे से बूढ़ा आज सबसे बड़ा क्योंकि नशा सबसे सस्ता एंटरटेनमेंट कोई है तो वाईफाई है, और उस वाईफाई के बिजनेस में जो ढलान में लगी हुई गाड़ी को अगर हम ना चला पाए तो हम चढ़ान में लगी हुई गाड़ी को चलाएंगे, एक को हमें चलाना पड़े एक हमें चलाए। तो आज बिजनेस वो करें जो आज की डेट में पीपल चॉइस, लोग जो चाहते हैं वो काम करें, ना कि मैं जो चाहता हूं वो काम करें। पहली गलती आप 99% लोगों की गलती होती है, वो सिलेक्शन ही गलत करते हैं अपने काम। हमने ये काम इसलिए नहीं चुना कि मेरी चॉइस थी, हमारा हम ढूंढ रहे थे एक ऐसा काम जो पब्लिक चॉइस का काम, पब्लिक मांगे सामने से, हम ना दे रहे, हम थोप ना रहे हो, हम उसे ढूंढ ना रहे, वो हमें ढूंढ रहा हो कि भाई साहब मुझे दे दो। गवर्नमेंट का ब्रांड, गवर्नमेंट का लाइसेंस, मोदी जैसी जैसी की लीडरशिप, और सबसे बड़ी बात है इंडिया कोऑर्डिनेटर, जो आपके पास जो लिंक आया है, जो लिंक आया है आपके पास जिससे आपने ज्वाइन किया है उस पर अपना नाम एडिट कराइए। काफी ऐसे लोग जो फ्रीलांसर जुड़ना चाहते हैं जैसे योगेंद्र प्रसाद केसरी जी, जहां से भी जुड़े हैं आप, हो सकता है कि आप फ्रीलांसर शुरू में जुड़िए, सबसे पहले इंडिया कोऑर्डिनेटर का जो आपका जो लिंक आया है उस पर अपना नंबर एडिट कराइए, अपना नाम एडिट करिए, और उसको बोलिए जिसने आपको दिया है वो कि मेरे को मेरा नाम नंबर एडिट करके दीजिए। उससे क्या होगा कि कल से आप 4 से 5 वेबिनार में लोगों को बुला पाए। मैं उल्टा कहूंगा कमा के फिर कर लीजिए। एक आदमी का बिल्कुल पैसे ही नहीं थे, उसका फोन आया मेरे पास, बोला सर मेरा पैसे नहीं करना पीएम वाणी। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत लोग हैं जो आपके साथ मजबूरी में जुड़े हुए, मतलब जिनके पैसे ही नहीं है बट पीएम वाणी करना चाहते हैं, उनको मना ना करें, उनको आप ये ना कहें कि हाँ आप आगे बढ़ जाइए जल्दी लेके, आपके पैसे हैं आप फटाफट आगे बढ़ जाइए, बट आप उसको धक्का मत मारिए जो आदमी के पैसे नहीं है, आप वो डिवाइस के पैसे नहीं है उसके पास। एक तो है कि भाई पैसे लेके आइए, एक आप उसको बोले कोई दिक्कत नहीं है भाई डिवाइस तू हमसे साथ काम करके यहीं से कमा के खरीदती हो, तो वो कहता है यार बढ़िया आदमी मिल गया। तो मेरा कहना है कि आप सब सोचे, अब आदमी कहता है यार फिर तो सारे के सारे पहले बेचेंगे कमाएंगे फिर लेंगे, देखिए उसमें आप लेट जरूर हो जाएंगे बट ये नहीं कि आप कर नहीं पाएंगे, वो जल्दी पहुंच जाएगा भाई, वो तो आज खरीद क्या चालू करके आगे बढ़ गया, बट चलो वो भी कभी कभी तो आएगा, थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है बट आप उसको मना ना करें। ऐसे बहुत कॉल्स आ रहे हैं मेरे को, ऐसे बहुत लोग मुझे कहते हैं जी आपके लोग नहीं बताते, एक और नई कहानी कहता है आप बताते हैं इंडिया कोऑर्डिनेटर का ऐसे लिंक बना के मिलता है, ऑडिट करके मिलता है, आपके लोग नहीं बताते। तो मैंने कहा प्लीज बताइए डेली 5 से 10 इंडिया कोऑर्डिनेटर जिनको भी आपने पहले पुश किया था खरीदने के लिए, जो नहीं खरीद पा रहे या जुड़ नहीं पा रहे उनको इंडिया कोऑर्डिनेटर बनाइए, उनको लिंक भेजिए, और उससे मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा पे लाइए अपने आप को। मैं बार बार कहता हूं निधि 100 निधि बनाने की सोचे, रितेश 100 रितेश बनाने की सोचे, ये सोच जब तक आपकी नहीं होगी तब तक वो चीज नहीं होगी। जैसे हम डेली सुबह शाम एक ही बात करते हैं, हम कहते हैं आज हमने कितने इंडिया कोऑर्डिनेटर बनाए, सेल बाद में बात करते हैं कितने इंडिया कोऑर्डिनेटर, फ्रीलांसर लोग जुड़े और वो वेबिनार में आए, ये इंश्योर करें कि मैं भी आऊं और वो भी आए, उसको 10 मिनट पहले मैं फोन करना चाहिए कि भाई आप भी आइए और अपने को उसको बुलाइए, एक ऑडियो मैसेज डाल दें सबको, और मुझे इतना पता है बुलाने का काम आपका समझाने का मेरा, तो आपका बुलाने का काम ही नहीं होगा, मैं समझाने का सुनू, मतलब दिक्कत क्या है, हर आदमी समझाने में लगा हुआ है, जो मैं मना कर रहा हूँ वो करने में लगा हुआ है और जो कह रहा हूँ वो करेगा नहीं। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है जिसको पता है वो लापता है और वो कहता है नहीं मैं ही समझाऊंगा। जैसे वो एक फीफा वर्ल्ड कप में अभी उसने क्या कहते हैं अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया, तो उसमें से क्या सीखा, सबसे फास्ट पास ऑन करना है। पास ऑन का मतलब मेरे पास बॉल है तो इमीडिएटली मेरे को अपने सबॉर्डिनेट को पास ऑन कर देनी, इंस्टेड ऑफ मैं ये अप्रोच गलत है कि मैं गोल खुद मारूंगा, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, और अप्रोच ये होनी चाहिए कि बचा हुआ तो शाम को दे दिया और बॉल को कम से कम अपनी देह पास रखूं और इमीडिएटली मैं आगे पास आउट करूं और मैक्सिमम लोगों के पास बॉल जाए जिससे कि हर आदमी थोड़ी थोड़ी देर रखे उसको और वो अपनी नॉलेज को दे। इंटरनेशनल के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल के बारे में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी चाहिए हमें, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई बात नहीं करते हम, पीडीएफ नहीं देते हमको,
फाइल नहीं दिखाते उनको, उनको विजन ही नहीं आ रहा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों, लोग एक रन दो रन बनाने में लगे हुए रिचार्ज में, लोग कह रहे छक्का भूल गए, छक्का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, सिक्स है और वो पहला गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल गया, वो धरती पे कोई काम नहीं करेगा। ये जो आज मैं दिखा रहा हूँ इमीडिएट टाइम बाउंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के पीडीएफ हैं, जिसमें डेटेड 1 सितंबर के सारे पीडीएफ हैं, ये सारे पीडीएफ रेडी हैं आपके लिए। आपको किसी भी इंप्लॉय को बोलिए, किसी कॉल सेंटर वाले को बोलिए कि वो भेजे आपको, आपको आइडिया होगा पीएम वाणी की, इसका प्रिंट आउट लेके आप अपनी फाइल बनाइए, आप पढ़िएंगे तो आपका समझ में आएगा कि कितना। आज सोचिए काम शुरू करने से पहले काम मिला कभी, पहली बार देख रहा हूँ, मतलब शुरू करने से पहले कंपनी दिखा रही है भाई काम इतना है मेरे पास, आप काम शुरू करो उसके बाद भी हम सोच रहे हैं। तो आज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप कैसे ले सकते हैं और आप क्यों कर सकते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जब आप जुड़ रहे हैं तो आप पूरे इंडिया में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। आप 19,110 पिनकोड है, हम फ्रेंचाइजी बना रहे हैं एक पिनकोड पे, एक पिनकोड पे हमारी एक ही फ्रेंचाइजी है। विधानसभा हम दे रहे हैं विधानसभा 1 लाख की, वाइफ ऑपरेटिंग विधानसभा 1 लाख की, और हमारा विधानसभा में भी एक ही बंदा है। डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर 2.5 लाख का, लोग कहते हैं क्या दे रहे हैं हम इसमें, मैं बोला क्या नहीं दे रहा हूँ इसमें, उल्टा मैं पूछ रहा हूँ। आज की डेट में लोग कहते हैं क्या दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ क्या नहीं दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आज मैं कहता हूँ आप 1 करोड़ की भी आप एजेंसी दीजिए तो वो आपको एक ग्राहक नहीं देगा, वो कहेगा आपको एजेंसी दे देगा, स्टॉक दे देगा। गाड़ियों की एजेंसी दिलाई है मैंने, मैंने खुद दिलाई है, 3-3 करोड़ 5-5 करोड़ लगाया लोगों ने, बट वो ये नहीं कहेंगे कि ये गाड़ी बिकवाएंगे, गाड़ी आपको खुद ही बेचनी पड़ेगी, टीवी से लेके फ्रिज से लेके मोबाइल की किसी की एजेंसी ले रहा। कभी कोई कंपनी ऐसी मिली है जो कहे ग्राहक भी हम देंगे, आज खरीदो कल से बेचो ग्राहक भी हम देंगे। लोग कहते हैं ग्राहक क्या होंगे, मैंने कहा जी ग्राहक बिल्कुल हम देंगे। फ्रेंचाइजी को 300 लीड्स, विधानसभा को 1,000 लीड्स, डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर को 2,000 लीड, ये जरूरी है। इसके बिना मैं समझता हूँ कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर क्यों ढूंढे ग्राहक को, उसका टाइम वेस्ट हो जाए। आज लिया ग्राहक पहले से उसके पास है तो काम पहले ही मिला गया, मिल गया उसको, और वो 2,000 लीड इसलिए दी है मैंने जिससे वो अपने पैसे पूरे कर दे उसी टाइम, वो लायबिलिटी ना बने। वो 2,000 लीड से मुझे पता है कम से कम 20 सेल करेगा, अगर वो काम करेगा 10% का मेरा कन्वर्जन आएगा। सिर्फ वो उन्हें वेबिनार से बुलाए और समझाऊंगा भी मैं ही। आज मैं उनमें से ये 200% हूं कि अगर वो मुझे दिखा दे कि मैं 2,000 लोगों को रेगुलर फॉलोअप कर रहा हूं, मिल रहा हूं, और उनमें से मेरे 10 कन्वर्ट नहीं हुए तो मैं मान नहीं सकता, मुझे प्रूफ दे उसका, और उस 10 से उसके डायलॉग वापस आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात उसको मैं कहता हूं अनलिमिटेड लीड क्यों ढूंढ रहा है तू ग्राहक, जब मैं ग्राहक तुझे 15 रुपए लीड अनलिमिटेड दे रहा हूं। वो कहता है जी अभी भी ढूंढूंगा ग्राहक, एक को नॉक कर रहा है, भाई साहब ये वाणी समझो। मैं कह रहा हूं किसके टाइम वेस्ट कर रहा है भाई, जब 15 रुपए के तेरे को ग्राहक घर बैठे बैठे दे रहा हूं। लीड का मतलब क्या है, वो आदमी जो पीएम वाली समझना चाहता है लेना चाहता है उसकी कॉस्ट में 15 रुपीज लगा रहा हूं, इससे कम कॉस्ट पे आप निकाल के दिखाइए नहीं, आप ट्राई करके देखिए। आपको कोई कोई भी एड वाली कंपनी ये नहीं कहेगी कि ग्राहक आए ना आए, कहेगा जी मेरी तो प्रिंटिंग कॉस्ट लगी, आपको क्या आएगा मुझे नहीं पता, कितनी घंटी बजेगी मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूं क्यों, 15 रुपीज अनलिमिटेड लीड सिर्फ हमारी कंपनी गारंटी कर रही है, आप लेते रहिए मैं देता रहूंगा, आप थक जाएंगे बट हम नहीं थकेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा लीड का बैंक हमारे पास है। हमने इतना भोपू बजाया, इतना भोपू बजाया यूट्यूब पे, एसएमएस पे, डिजिटल पे, और डेली भोपू बज रहा है। तो लीड 1400 कॉल पर डे हमारे पास आई है, 300 कॉल पर डे। आप कहते हैं कि बेच के करना क्या, मैं तो रिचार्ज के लिए आया, तो सर बेच के ही पैसा कमाएंगे तभी तो रिचार्ज खड़ा करेंगे। ये कूपी याद रखिए, ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला, कूपी का मतलब है इंडिया को बेच के पैसे कमाएंगे और वो सारे पैसे अपने एरिया में लगा के रिचार्ज खड़ा करेंगे। ये पासवर्ड है पीएम मनी का जो मैंने यूज किया। मैंने समझा कंप्यूटर क्रांति, इंटरनेट क्रांति, मोबाइल क्रांति और डिजिटल पेमेंट क्रांति से मैं सीखूं और वो कोई गलती ना करूं वाईफाई क्रांति में, क्योंकि मैं अगर कोई गलती, कहते एक उनकी गलतियों से सीखना और एक अपनी R&D करना, मैं 40 साल क्यों खराब करूं जो 40 साल की R&D मुझे पहले उसको देख के समझूं कि गलतियां क्या की थी लोगों। तो मुझे पता लगा, वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैंने मोबाइल क्रांति में पैसा नहीं कमाया, मैंने इंटरनेट क्रांति में पैसा नहीं कमाया। ऐसा नहीं है लोगों ने नहीं कमाया, मैंने नहीं कमाया ना आपने भी नहीं कमाया, हम देखते रह गए ऐसे साइड से जाती रही सारी क्रांति। मैंने बोला आपकी वाईफाई क्रांति में सही टाइम पे फंस गई है, और फंस क्या गई है मतलब सही टाइम पे घुस गए। एंट्री लेवल टाइम हमारा सही होना चाहिए बिजनेस, वो हमारा इस टाइम सही है। पहली हमारी अचीवमेंट ये है कि हम सही टाइम घुसे।
आप होना चाहिए सही टाइम, उसने कहा छोड़ेंगे नहीं, जो भी है पूरा झोंक दो इसको। झोंकने का मतलब क्या है, क्या हम झुक जाए? नहीं, ड्रम बजाना जरूरी है, प्रचारक बनना जरूरी है। मेरे को मिल तो सही चीज गई, मैं लेके बैठ के खुद देखने लग गया, पूरा हिंदुस्तान नहीं देख रहा, मैं ड्रम नहीं बजा रहा, मैं इवेंट नहीं कर रहा, मैं वेबिनार नहीं कर रहा, मैं सेमिनार नहीं कर रहा, मैं डिजिटल वीक हूं, कितने लोगों को बता पा रहा हूं, मैं वन टू वन मीटिंग में एंगेज हो रहा हूं, या मैं डिजिटल के थ्रू जा रहा हूं, मैं फेसबुक के थ्रू जा रहा हूं फटाफट, मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर रहा हूं, मेरी कॉल कितनी बज रही है। तो मैं कहूंगा वन टू वन में एंगेज मत होइए, फंसिए मत। जान पहचान दलदल है, रिश्तेदार खाई है, और जिसको नहीं जानते वो नागमनी है। मैंने अनलिमिटेड लोगों को 99.9% लोगों को टारगेट किया, जो कि जिनको हम जानते ही नहीं है, वो पॉपुलेशन जिनको नहीं जानते, और वो पूरा इंडिया है। तो मैंने कहा कि आज की डेट में अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, उसमें मैं स्टॉक भी दे रहा हूँ, मैं आपको लीड्स भी दे रहा हूँ 300 लीड्स, मैं आपको मार्केटिंग मटेरियल भी दे रहा हूँ, मैं लाइब्रेरी दे रहा हूँ 600 से 700 वीडियोस की लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी आपको लीड जनरेट करने में पूरे इंडिया की मदद करेगी, आपकी पहचान बनाएगी पूरे इंडिया में कि आप मुझसे नहीं, लोग आपसे लें। वो लाइब्रेरी में कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर, उसमें लिखा हुआ है आपके एग्रीमेंट, आप उसे यूज करिए, कट कॉपी पेस्ट करके आप अपना नंबर एडिट करके, जो कि 15 मिनट मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे आपको, दो वीडियो इन ए डे, कम से कम एक साल का कंटेंट पहले से ही पड़ा है, बस ज्यादा है, और जब तक आपकी वो खत्म होगी और वीडियो आ जाएगी। हम बनाना नहीं छोड़ेंगे, और आपको पीछे सप्लाई लाइन की आपको दिक्कत नहीं। आज निधि अरोड़ा जी ऑलरेडी हमारी वीडियोस बना रही हैं, और आज हमारे साथ उसमें भी हैं वेबिनार में, तो मैं चाहूंगा निधि अरोड़ा जी बताएं, ऑलरेडी हाथ एक खड़ा करें, ये डेली अराउंड 60+ वीडियो बना चुकी है अब तक, मोर देन 60+, 70+ हो गई होंगी, और डेली दो वीडियो बनाती है, सुबह अपलोड करती है, शाम को अपलोड करती है, और 15 मिनट लगती है इनको करने में। अब कल हमने हैंडशेक किया, हैंडशेक हमारी प्रॉपर्टी में था, मैं चाहूंगा कि वहां पे इमीडिएटली रितेश आप भी हैंडशेक करो, क्रिएटिव ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मेरे आने से पहले आप ऑलरेडी हैंडशेक रख लो, 100 रुपये प्लेट पड़ा सिर्फ खाना, मतलब 100 रुपये में हमने उसको छोले चावल और उसको रोटी, उसको दाल सब्जी सब दी हमने, 100 रुपये बुफे लगाया हमने, और हमने 120 लोगों को इकट्ठा कर दिया, और कल एक ही दिन में 120 मीटिंग गई, क्या होता 100 रुपये, वी स्पेंड 7,000 रुपीज, 70 प्लेट का ऑर्डर दिया और 120 लोगों को खा गए, तो प्लेट तो 60 रुपये पड़ी, बुफे कितने में था 70 रुपये, और कितने खा गए 120, 7,000 में 120, तो 60 रुपये से भी कम पड़ी। तो आप इवेंट करिए, आपके पास वेन्यूज हैं, वेन्यू पार्टनर ढूंढ लीजिए जहां पे वेन्यूज नहीं है, और जहां पे उल्टा सेल्फी बूथ, आज हमने सेल्फी बूथ लगाने शुरू कर दिए, तो लोग कहते हैं सेल्फी बूथ क्या है, मैंने कहा जैसे रैलियों से इलेक्शन जीते जाते हैं, ऐसे बिजनेस जीते जाते हैं वेबिनार से, सेमिनार से और इवेंट से, तीनों चीज में वीक हैं आप, तो तीनों चीजों को स्ट्रॉन्ग करिए। वेबिनार की स्ट्रेंथ ये है कि आपने सिर्फ वेबिनार में खुद आना है, और कम से कम 5 लोग आपके वेबिनार में आए, महीने में 150 लोग आएंगे, तो मैं कम से कम नाना करते भी 5 से 10 सेल आपको करके दूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। आप अटेंडेंस की कमिटमेंट करिए, मैं सेल की कमिटमेंट। स्ट्राइकर खड़ा है, पेनल्टी में बॉल ही लगी हुई, तो फायदा क्या हुआ स्ट्राइकर का, तो मैं चाहूंगा आप उस पर ध्यान दीजिए, सेल्फी बूथ पे ध्यान दीजिए, आप सेल्फी बूथ आप देख लीजिए कि सेल्फी बूथ आप आज की डेट में, मैंने इवेंट्स को फास्ट करने के लिए कि मैं पहले महीने में एक इवेंट का टारगेट बड़ा मुश्किल होता था, आज मैं एक ही महीने में कम से कम नाना का 10 से 10 इवेंट मिनिमम पे मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, 45,000 का मैंने सेल्फी बूथ दिया हुआ है, और वो सेल्फी बूथ ऐसा है, वो दिखाते हैं, ये लेडीज खड़ी हैं सेल्फी बूथ पे, ये सारी वो है जो इवेंट, शादी किसी और की, अवार्ड किसी और का, इवेंट किसी और का, और वहाँ पे हम सेल्फी बूथ स्पॉन्सर्स हैं। तो प्रधान टूटू जी आप भी सेल्फी बूथ देखिए, आप सोचते होंगे क्या लड़की दिखा रहा है, तो बेसिकली लड़की नहीं दिखा रहा, ये इवेंट हो रहा था, इसमें हमने सेल्फी बूथ लगाया और यहाँ से हमें लीड्स मिली और हमने 8 से 10 लाख रुपये कमाया, इसलिए दिखा रहा, ये इवेंट्स में जा जाके हमने सेल्फी बूथ लगाया, वहाँ पे हम सेल्फी बूथ स्पॉन्सर बने, और जो ये लोग चढ़े उस इवेंट्स में, हमने इनसे बातचीत शुरू की, और हमने अब तक हमने एक महीने में अराउंड 8 to 10 lakh की सेल की है सेल्फी। जो आदमी सेल्फी बूथ नहीं ले रहा, जो आदमी 45,000 का सेल्फी बूथ है, आपको अमेजोन पे 80,000 से कम नहीं मिलेगा, और हम लोग हाफ रेट पे आपको अपलोड कराएंगे, और आपने वहाँ पे लगाना है, आप हर शादी में हर इवेंट में सबसे ज़्यादा लोग आपको बुलाएंगे, और जिस दिन 200 लोगों की वीडियो बन जाती है, और ये इंस्टा पे, और जब ये सभी जगह प्रमोट करेंगे, बात नहीं की हो उससे आपको कॉल आनी शुरू हो जाती है,
और जब कॉल आती है बातचीत शुरू होती है, बातचीत मतलब कि ये क्या है, हमें तो ये चीज होता क्या है, और हम वहीं से शुरू हो जाते हैं। तो आज हमने सेल्फी बूथ से एक महीने में अराउंड 8 to 10 lakh की सेल की है, 45,000 का बूथ, और वैसे भी ये 5 से 10,000 रुपए किराए पे चढ़ जाता है, 10,000 रुपए मैक्सिमम किराया इसका, 5,000 लोएस्ट किराया, महीने में एक बार किराए पे दे दो और बाकी टाइम इसको वैसे सेल्फी बूथ स्पॉन्सर बन जाओ, तो दिक्कत क्या है। बट कोई सिंगल बंदा पिछले 1.5 महीने 2 महीने से बोल रहा हूँ, अब तक एक सिंगल बंदे ने ये नहीं कहा कि मैं कल लगा दूं। मैं हर वेबिनार में बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और हमने प्रूव कर दिया है कि प्रॉफिटेबल है। तो इवेंट्स, वेबिनार एंड सेमिनार, आज डिजिटल का मतलब मैं रोड पे जाके ना बताऊं, मैं वेबिनार को छोड़ू ना, और वेबिनार से आप 500 लोगों को एक बार समझा सकते हैं, और वेबिनार हम ले ही रहे हैं, 4 से 5 का हमारा टाइम फिक्स होता है, तो अल्टीमेटली ये भी फ्लक्चुएशन ही है कि नहीं। तो अंकल जी कल से आप जब ज्वाइन करेंगे, सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपको मिल रहा है कि आपको समझाना नहीं पड़ेगा, आपके लिए पूरी टीम लगी हुई है, आपको वेबिनार के लिए से बुलाना है, और सारा डेमो डूमो सब हम दिखाएंगे, हम समझाएंगे उसकी की क्यूरी को। तो आपको समझना किस लिए, तो समझाना हमने, आपका काम तो सारा बुलाने पे लगा दीजिए, आप तो सिर्फ ये बोलिए कि भाई आज वेबिनार है, तो कल से वाईफाई बेचना चाहता है तो कल से गवर्नमेंट का लाइसेंस, डिवाइस और ऐप तीनों मिल जाएगा अपने, और ये में वाईफाई ऑपरेटर बन के कमा सकता है। मैं चाहूंगा कि वो कहेगा नहीं मुझे समझा तू, कहता यार मैं समझाने का नहीं, मेरा काम बुलाने का है, कहता ना करना भी आज एक क्वालिटी है कि भाई मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, तू एक बार उस पर आ, उसमें ऐप का डेमो भी और सब चीज मिलेगी, और आज पक्का ज्वाइन करिए, मैं तो रिमाइंडर दे दूंगा, 3:30 बजे का अलार्म लगा लीजिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। और जब आप 4 बार आप टेस्ट ड्राइव फ्री में लीजिए, अभी चेक खरीदे भी मत, टेस्ट ड्राइव लेते रहिए। तो आज लोग कहते हैं कि मैं अपनी सोसाइटी में ऑपरेटर कैसे बनूंगा, मैं कमा कितना लूंगा, तो बताया तो आज 1 लाख की बात करें तो 1 लाख में क्या किराया आता है, 1 लाख में 50 पैसे का किराया कमर्शियल का है, और रेजिडेंशियल का 25 पैसे का है, अराउंड 500 रुपये आता है कमर्शियल से, और 250 रुपये आता है रेजिडेंशियल, अगर किराए पे देते, किराए की में इन्वेस्ट करते तो। मैं कहता हूँ 1 लाख के डिवाइस लगा दिया, 5 डिवाइस, 200 यूजर, 1 डिवाइस 20,000 का डिवाइस है मान लो, तो एवरेज पड़ गया आपके 1,000 यूजर पे 100 रुपये एवरेज रिचार्ज मान लो, तो 1 लाख रुपये हुआ, और 1 लाख का 60% पीडीओ का है। लोग कहते हैं कितना बांटते हैं आप रिचार्ज का, 80% हम बांटते हैं रिचार्ज का, बट वो मल्टीपल लेवल्स में बांटते हैं, नीचे पीडीओ का 60%, उसके ऊपर 3% फ्रेंचाइजी, ऊपर 5% विधानसभा, 5% डिस्ट्रीब्यूटर एंड 2% CNF, 75% पहुंच चुके हैं, और 5% ग्रोथ फंड है, जिसको कि आज की डेट में आप वेबिनार इंसेंटिव 20 रुपये हम इंसेंटिव देते हैं, जितने लोग वेबिनार्स में आते हैं सेम डे पे आउट दे देते हैं, जितने भी लोग आज सुबह का खर्चा शाम को जाते हैं वो लोग जुड़े इससे, आप सबको फ्रीलांसर लगा दिए, मेरे 20 रुपये मैं आपके लिए नहीं दे रहा, मैं आपको बांटने के लिए दे रहा हूँ, आप बांट ही नहीं रहे, पेड़ को सींचने के लिए पैसे कंपनी दे रही है, वेबिनार में आने के लिए पैसे मांगते हैं लोग, मैं पैसे आने देने के लिए देता हूँ कि आप बांटो, और वो इसलिए देता हूँ कि आप भी नीचे बांटे, कल आपके साथ 25 लोग जुड़ गए और सबको 100-200 रुपये आने लगे शाम को, एक कहते ना हाहाकार मच जाएगी, और वो डेली मिल जाए, और आपको ना देने पड़े, NGO जोड़ लीजिए उनको खर्चा मिल जाएगा, बट वो भी नहीं कर रहे, अभी तक किसी ने आगे नहीं बांटे, या तो खुद रख लिए, आगे बांटने का प्रक्रिया ही चालू नहीं कर रहे। मेरा ये कहना है कि इसको आप जरूर शुरू करें, और आज की रेट में जो 1 लाख वाली बात करता मैं, 1 लाख में अराउंड मतलब 100 रुपये के हिसाब से 1,000 × 100 1 लाख आया, 60% PDO को मिला, 60% का भी मैं कहता हूँ हर डब्बे पे सिर्फ आधे यूजर आए, 50% ऑक्यूपेंसी मार, इससे गंदी तो नहीं होगी, और उसमें भी उसको 30,000 रुपये आ गए, 60% सबसे नीचे बाजार, और आज 30,000 रुपये आया और 5 डिवाइस थे और 3,000 रुपये पर डिवाइस खर्चा है उसका, 50% यूजर पे एवरेज 15,000 रुपये, 5,000 रुपये और एडिशन मार, 20-10,000 रुपये बचा लिया, सोचे 500 रुपये रेंटल उस पर आता या 10,000 रुपये, फिर भी वो कहता है थोड़ा कम है सर, मुझे नहीं समझ में आता वो कौन से पैरामीटर देख रहा है, और अभी मैं रोमिंग की बात नहीं कर रहा, अभी मैं एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू की बात, मैं सिर्फ एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू से ही 500 रुपये कमा लूंगा, इक्वल तो मैं वही कर दूंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आज की डेट में सोसाइटीज में आप जाते हैं, सोसाइटी में आपने देखा होगा लिफ्ट के बाहर एक स्क्रीन लगा होता है, सिर्फ एड से पैसा कमाता है, कोई रिचार्ज लगवाई नहीं है, और वो एक स्क्रीन इधर उधर हिल भी नहीं सकता, और हर सोसाइटी वाला पूछता है आया तो क्या लाया है, जाया तो क्या देखे जाएगा, पैसे पता क्या देगा, किराया मांगता है उसे, लगाने से मैंने उसे पता नहीं मैं क्या कमाऊंगा, बट पहले पैसे दे दे, और वो लगाता है और कमाता भी है, वहां तो रिचार्ज नहीं ना, वो घूम सकती है। आप हर सोसाइटी में जहां 200 लोगों का वो है वहां इसको लगा दिए, प्रखर एडवर्टाइजर आ चुके हैं, उनका अब इंटरेस्ट जागे है, कहते हैं एडवर्टाइजिंग की बात चल रही है, मेरे मेरे काम की बात आ गई है,
तो वाई फाई ऑपरेटर बन गया मीडिया ऑपरेटर, सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मैं मानता हूँ। रिचार्ज का 1 रुपया लाए, एडवर्टाइजिंग से करोड़ों रुपए कमा जाएंगे। उसका रीजन क्या है, जितना पैसा आज फेसबुक यूट्यूब इंस्टा गूगल आप देखते हैं, आप एड खोलते हैं, आप देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते हैं, एड चल पड़ती है। तो आज गवर्नमेंट चाहती है कि सारा $1 बिलियन जो बाहर जा रहा है वो वाई फाई ऑपरेटर की जेब में जाए। जो ऑपरेटर आप बनेंगे, आप ही मीडिया ऑपरेटर बन जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल ऑपरेटर हो जाएंगे। आप कोई भी एड पुश करना चाहें तो आपको एडवर्टाइजमेंट डैशबोर्ड मिल जाएगा इसमें, जैसे रिचार्ज का डैशबोर्ड है ऐसे एडवर्टाइजमेंट डैशबोर्ड है। आप गाने म्यूजिक आपको फुटबॉल मैच करना चाहते हैं तो वो सब आप दिखाते हैं। और अभी OTT प्लेटफॉर्म इसमें है और ये बहुत बढ़िया चीज है। तो मैं चाहूंगा प्रखर एडवर्टाइजर, आप ऑलरेडी क्योंकि एडवर्टाइजिंग फील्ड से हैं, और अभी मेरा ब्राइट आउटडोर लालवानी जी मुंबई, आप ग्लोबल एडवर्टाइजर मुंबई, अल्फा आउटडोर ग्राफिक एड्स गुप्ता जी, मैं बाटर का बहुत बिजनेस करता हूँ, मेरा मार्केटिंग विदाउट कैश आप यूट्यूब पे डालेंगे सबसे पहले हमारी कंपनी मिलेगी। हम 9 साल से बाटर कर रहे हैं। तो मेरा हरी आउटडोर वाले के साथ नाता है, चाहे वो बैंगलोर का चाहे कलकत्ता का, हमारे साथ मार्केटिंग में आज मार्केटिंग विदाउट कैश मतलब आप बिना पैसे के मार्केटिंग करिए, बदले में कुत्ता दे दीजिए, बिजली दे दीजिए, ईंट दे दीजिए, बजरी दे दीजिए, हमसे आउटडोर ले लीजिए, होर्डिंग ले लीजिए। हम 9 साल से आज बाटर कर रहे हैं। तो आप हमसे हमारे साथ बाटर का काम भी शुरू कर सकते हैं, हमारे साथ बिना किराए की दुकान आप यूट्यूब पे डालिए सबसे पहले हम मिलेंगे आपको। कोई भी रिटेलर आज शॉप खोलना चाहता है उसको बिना किराए की दुकान चाहिए, आप यूट्यूब पर जैसे ही टाइप करेंगे सबसे पहले हम मिलेंगे। आप वर्चुअल ऑफिस डालिए, सबसे 300 एड्रेस बेचते हैं हम लोग, एड्रेस बेचे हुए हमने, मतलब जो हमारे ऑफिसों में अपनी कंपनियों का एड्रेस यूज कर रहे हैं। आप वर्चुअल ऑफिस जैसे ही डालेंगे सबसे पहली वीडियो हमारी आएगी, रिकमेंडेड बाय संदीप महेश्वरी, उस पर लिखा होगा। हम आज 12,000 रुपए का एड्रेस बेचते हैं साल का, और हमारे यहाँ द्वारिका में भी ऑफिस है, भीकाजी में भी ऑफिस है, हमसे लोग एड्रेस ले रहे हैं। और हरिशंकर जी अभी पूरा ऑफिस का टूर कराएंगे, आपको बताएंगे, और हमें स्टूडियो भी दिखाएंगे अभी आपको जहाँ शूट होते हैं हमारे। और ये ब्रांच जो अभी आपको दिखाई दे रही है ये भी हमारी रेंटल पे नहीं है, हमारी कोई ब्रांच रेंटल पे नहीं है। अपना खाना खाते हैं, लैंडलॉर्ड का डब्बा पैक करा देते हैं, हमारे कोवर्किंग है वाई ऑफिस के नाम से। और आज की डेट में हम 2000 से लेकर 2015 तक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी रहे, जिन्होंने टाटा एजी, भारतीय एक्सा, फ्यूचर जल्दी, रेलिगेट, वॉलमार्ट इंडिया में खड़ा किया है। हमने ब्रांचेस खोली है पूरे इंडिया में, हिंगोली, अमरावती, वरंगल, खमखम, जींद, आसीसा, चूरू, हनुमानगढ़, बेगूसराय, भागलपुर। आप कहते हैं बड़ी बल्दी है, पान बेचता क्या करता है, कंडक्टर था पहले। तो मैं कहूंगा कि नहीं, मैं ब्रांचेस खोलता था, हम ब्रांचेस खोलते थे, मुथु की ब्रांचेस हमने खोली है पूरे इंडिया में, हमने अविवा खोला है पूरे इंडिया में, 6 लीज पर डे, 6 रिबन हम रोज काटते थे। शॉपर स्टॉप खोले, मल्टीप्लेक्स खोले, पंप खोले, पूरे इंडिया में अगर खोलने तो आप सिर्फ 100 ब्रांचेज जिसको खोली है और इससे ज्यादा खोली है, रैपिड एक्सपेंशन और इंडिया रोल आउट के सबसे बड़े प्लेयर रहे हैं। इसलिए पीएम वाणी हमारा चल रहा है। कई लोग कहते हैं पता नहीं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं कैसे चल गया इसका, तो मैं बता दूं सर, मैं पूरे 2000 से लेके 2015 तक मैंने इतने ब्रांड एस्टैब्लिश किए पूरे इंडिया में, इतने रोल आउट किए पूरे इंडिया में, उसका एक्सपीरियंस पीएम वाणी चल गया, बाटर की बैकबोन है इसलिए पीएम वाणी चल गया है। आज कोवर्किंग का रेंटल आ रहा है इसलिए हमारी बैकबोन स्ट्रॉन्ग है, और हमारी नहीं अब आपकी भी बैकबोन तभी स्ट्रॉन्ग होगी। हमारी लेगेसी को समझिए, लेगेसी में जैसे आप वाइन खरीदने जाते हैं तो लिखा होता है जितनी पुरानी उतनी महंगी, तो आज की रेट में 2000 से लेके जिस कंपनी को 25 साल हो गए हों और जिसके 12 टायर हों, और 12 टायर का मतलब है इंडिया में 1+1 चलेगा या 1+2 चलेगा, 1+3 चलेगा। आज हिंदुस्तान में काम करना मजबूरी ये है कि आप एक चीज देंगे कोई नहीं लेगा। आप बोलिए कॉल सेंटर भी दूंगा, बिना किराए की दुकान भी दूंगा, बाटर भी दूंगा, कोवर्किंग में भी जोड़ दूंगा, दुनिया जुड़ जाएगी आपके साथ। आज यूट्यूबर एग्रीगेटर है हम लोग, आज जितने लोग आज चाहते हैं कि मैं टीवी पे दिखाई दूं तो उनके लिए हम बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके आए हैं। वाई फाई ऑपरेटर बन गया रिपोर्टर। प्रखर जी आपका मेरे को विचार सुनना है इसमें, आप मतलब अलग से मेरे से बात। आज हम कहते हैं कि जितने यूट्यूबर है, रविंद्र कुमार जी आप टीवी पे आइए, सूफिया आलम जी आप जितने, अशोक जी, रितेश मलिक जी आप वहां पे रिपोर्टर, वाई फाई ऑपरेटर बन गया रिपोर्टर प्रोग्राम देखिए। इस प्रोग्राम में मैं कहता हूं हम अंजू जादौन के लिए रिपोर्टिंग क्यों ना करें, हम फ्रेंचाइजी बताओ के लिए रिपोर्टिंग क्यों ना करें। हम आज की डेट में काम धंधा चैनल है यूट्यूब पे जिसके 10 लाख सब्सक्राइबर है, 15 लाख सब्सक्राइबर है बिजनेस की बात की, इनकी रिपोर्टिंग क्यों ना, लल्लन टॉप जैसे है, अगर आप इनके रिपोर्टर बनते हैं और आप अपना खाना खाते हैं इनका डब्बा पैक लाते तो सब्सक्राइबर चाहिए किस लिए। तो मेरे पास बिजनेस की बात, काम धंधा, फ्रेंचाइजी बताओ, इन सबके मार्केटिंग राइट्स हैं, आप इन सब के लिए अपना खाना खाइए, उनका डब्बा पैक करा के लिए। और सबसे बड़ी बात है जब आप देखिए, रविंदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये अभी जॉब पे कहीं बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये
हैंडीकैप है, मिलने आए मुझसे, इन्होंने मुझसे पूछा, रविंद्र जी थोड़ा हाथ हिला दीजिए एक बार जो स्लो बता दीजिए, इन्होंने मुझसे पूछा मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं काम कर सकता हूँ, तो मैंने इनको उसी टाइम कहा आप इंडिया का ऑडिटर बनिए, और भिवानी से इन्होंने दो तीन लोगों को जोड़ा और उनके फिर फोन आने लगे, उनका नाम भी नहीं बताते थे वो, और कहते थे बोला जी हमें डायरेक्ट बात करनी है, फलाना बात करनी है, मैंने उनको बोला भाई साहब अभी तो काम शुरू नहीं किया, अभी से ही टेढ़ा मेढ़ा शुरू कर दिया, मगर ऐसे नहीं होता हमारे यहाँ, हमारे यहाँ पे जब भी कोई काम करते हैं हमें सब पता है कि आपको किसने जोड़ा है, भिवानी का नाम आपने जैसे ही लिया मैं समझ गया, और हमारे पास पहले से इन्फॉर्मेशन है कि रविंदर जी ये जो है नांगलोई से उनके थ्रू होंगे आप उनके थ्रू आइए, तो इससे क्या होता है कि कभी भी आज जो तिकड़मबाज होते हैं ना जी, तिकड़मबाज जैसे बोलते हैं, तो रविंदर जी हमेशा नाम पहले डाल दीजिए कि ग्रुप में, नंबर नहीं डाला था आपने, हमेशा आप कॉल करने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ ऑडियो मैसेज और नंबर डाल दीजिए करें, उसको हम यहाँ ब्लॉक कर देंगे आपके नाम से, तो बेसिकली घबराने की जरूरत नहीं है, बट मेन है कि अगर आप कॉल करेंगे, कॉल का कोई डाटाबेस नहीं हमारे पास, अगर आप नाम नंबर भेज देंगे तो उसको ब्लॉक कर देंगे, वो फिर वो आपके थ्रू ही आएगा, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो और रही बात, तो प्रखर जी मेरा ये कहना है कि ये बहुत अच्छी वो है, लोग कहते हैं कैसे कमाएंगे इसमें, देखिए आज कैमरा सबके पास है, हर आदमी टीवी पे आना चाहता है, हम अच्छे क्रिकेटर नहीं बन पाए, गाना नहीं गा पाए, तो इसका मतलब हम कॉमेडियन नहीं बन पाए, तो कब टीवी पे नहीं आएंगे, ऐसे मर जाएंगे, हमने सबके लिए रास्ता खोला है, आप कल से आप ये नहीं बोलेंगे मेरे एक सब्सक्राइबर नहीं है, आप ये नहीं बोलेंगे मैं टीवी पे नहीं आ सकता, आप सब टीवी पे आ सकते हैं, आप सबके अंदर आपकी ऑडियंस है, हर आदमी की ऑडियंस है हिंदुस्तान में, क्योंकि हर आदमी की पॉपुलेशन इंडिया में इतनी ज्यादा है कि कोई ना कोई 145 करोड़ लोगों में से कम नाना करते भी 1,05,00,000 लोग हैं जो आपकी बात को सुनना चाहेंगे, आपके टाइप के लोग, मतलब जैसे मेरे टाइप, मतलब मेरी भी ऑडियंस बन गई है, तो इसका मतलब मेरे को लगता है सबकी ऑडियंस बन जाएगी, मुझे लगता है हर आदमी कोई ना कोई मिल ही जाएगा, तो मेरे को ये लगता है कि हम लोग यूट्यूबर नहीं है, हम लोग एक ट्रेडिशनल व्यापारी हैं, और हमने अपने प्रॉफिटेबल बिजनेस एस्टैब्लिश किए हैं, और उसके बाद हम यूट्यूब पे आ गए, और हमने यूट्यूब पे आए तो हमें लगा कि प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, सबको मिलना चाहिए, और सबको प्लेटफॉर्म पे लाने का जिम्मेदारी भी हम ले रहे हैं, बट आज तक ये बात मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ, किसी सिंगल बंदे ने, सोचिए सब्सक्राइबर बनाने नहीं पड़ रहे तो भी एक सिंगल वीडियो नहीं बना पाया आपको, मैं अपने अगर रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा तो मेरे कई वीडियोज में मैंने कई बार किसी ने शुरुआत ही नहीं करी, तो आप खुद सोचिए कि हिंदुस्तान में दिक्कत कुछ और है, पैसे कमाना चाहता है बिना कुछ करे, उसे स्कीमें चाहिए, सिस्टम नहीं चाहिए, उसको सिर्फ स्कीम चाहिए, बात गॉसिप चैट कॉल चार के मास्टर्स हैं, काम को छोड़ के हर चीज कर सकते हैं, रिजल्ट चाहिए बट इनपुट का टारगेट नहीं, आउटपुट चाहिए, तो ये आज बहुत बड़ी समस्या है, मुझे अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी को देता तो शायद मैं मतलब पांचों के पांचों यूट्यूबर की रिपोर्टिंग कर रहा होता और सुबह ही निकल जाता रिपोर्टिंग करने, आप कहते हैं उसमें कमाई का मॉडल क्या है, जैसे आज मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं, आज फ्रेंचाइज बताओ कि अराउंड 7 लाख से 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, आप अगर मान लीजिए सपोज मैं प्रखर जी की बात करता हूँ, प्रखर जी मालूम मोदी नगर में रहते हैं और वहां पे उन्होंने अपनी अपने नियर डियर डियर जहाँ पे भी हैं यूट्यूब, आपने और यूट्यूबर्स की वीडियो देखी, उन पे उनके नंबर दिए हुए हैं, आपने फोन किया सर आप अपना ब्रांड फ्रेंचाइजी करना चाहते हैं, नंबर दिए हुए हैं ऑलरेडी किसी और यूट्यूबर का भी देखेंगे उस पर नंबर दिया होता है, वहां से नंबर लीजिए सर मेरे पास ये 7-8 यूट्यूब चैनल है, अभी आपकी वीडियो देखी, आपने इनके साथ वीडियो बनाई हुई है, मैं आपकी वीडियो बना दूं और आपको सबको ना बुलाना पड़े और मैं ही सभी चैनल पे शूट कर दूं और वहां पे डाल दूं, तो आई एम ए यूट्यूब एग्रीगेटर, आप सबको बुलाएंगे, आप जितने को बुलाएंगे वो आने वाले का पैसा मांगेगा, यूट्यूब पे वीडियो डालने का पैसा मांगेगा, मैं अकेला आऊंगा, मैं सब पे शूट करके आपकी सब पे चैनल पे डालेंगे, उन्हीं चैनल्स पे जिनके मैं नाम बोल रहा हूँ पब्लिक, तो बेसिकली मेरा उनका मार्केटिंग राइट्स है, मैं एग्रीगेटर हूँ और बेसिकली मैं अपना खाना खाता हूँ, उनका डब्बा पैक करके ले जाता हूँ, आप मान लीजिए वो एक यूट्यूब चैनल वाला 30,000 रुपये लेता है, 30 की जगह आपने फ्रेंचाइज बताओ के लिए रिपोर्टिंग करी, 15,000 आपने आशीष जी को दे दिए, 15,000 बचे, 15,000 में 1,000 रुपये एडिटर को दे दिए, 14,000 बच गए, 14 में से 7,000 मेरे, 7,000 आपके, आपको क्या दिक्कत है, आपका क्या दिक्कत है, क्या कुछ बेचा आपने, 8 लाख लोग टीवी पे देख रहे हैं आप ब्रांड बने नहीं बने, बट सिंगल बंदे ने आज तक एक इनिशिएटिव छोड़ो ट्राई तक नहीं, यह हालत है हिंदुस्तान की, मतलब ये मैं भौंक भौंक के मेरा गला फट गया है, मुझे लगता था मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ बट आज तक इस अपॉर्चुनिटी का मतलब वो भी यूज नहीं किया किसी ने, ये स्टूडियो वगैरह सब अभी दिखा रहे हैं आपको, मैं चाहूंगा आप एक बार पूरा ऑफिस देखें, और क्योंकि अंजू जाधव जी ये बैठी हुई है शूट के लिए और काफी देर से सोच रही है कि फ्री कब होगा, तो अच्छा फ्री होगा तो शूट होगा, तो मैं चाहूंगा ये स्टूडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रीन पर्दा भी लगा हुआ है, ये हमारा लाइट है, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर हमारा जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है या डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी
या विधानसभा या वीडियो जो भी लेते हैं उनका यहाँ पर एक वीडियो शूट होता है और हमारे चैनल पर चलता है उनका, और उनका सामने जैसे वीडियो शूट होगा उसके सामने उनकी माने मोबाइल नंबर माने रिफ्लेक्ट करता है। ये हमारा स्टूडियो है, आप देख सकते हैं यहाँ से स्टूडियो में वीडियो बनता है और आगे हमारा यहीं पर एडिट भी होता है। ऐसा नहीं है सर कहीं बाहर लेके जाना है, एडिट भी यहीं हो जाएगा। ऑलरेडी हमारा ये एडिटर यहीं पर बैठे हुए हैं, आप बात कर सकते हैं। पुनिया जी है, पुनिया जी, ये पुनिया जी है, ये आपका जो भी वीडियो होगा वो एडिट कर देंगे। ये अर्चना मैडम है, अर्चना मैडम ही पूरा आपको सपोर्ट करेंगी, जब भी आपको होगा तो इनका नंबर भी हम आपको शेयर कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर सारा हमारा स्क्रीन है, यहाँ पर सारे रिकॉर्डिंग भी हो जाता है और सारा यहाँ पर एडिट होके आपको मिल जाएगा। ये हमारा एरिया है जो रिसेप्शन एरिया है, ये देख सकते हैं हमारा, हम लोग कोवर्किंग में भी डील करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये 50,000 स्क्वायर फीट की ऑफिस है, हमारा पहला जो माने जैसे क्लाइंट जो है वो टेनेंट। ये देखिए एलआईसी सामने हमारे, देखिए पिज्जा एटीएम मशीन, फिर मैंने इसको समझाया, पिज्जा एटीएम मशीन देख सकते हैं, पिज्जा एटीएम मशीन है, ये ऑलरेडी ये आए हुए हैं। सर आप कहाँ से आए हुए? सीकर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। सीकर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और सर ने माने चार डिस्ट्रिक्ट लिया है राजस्थान के, और चार डिस्ट्रिक्ट में माने चारों डिस्ट्रिक्ट में हमारा ब्रांच ओपन होगा और बहुत जल्दी आप लोग सीकर गुड। और सर के अपना खुद का इंस्टीट्यूट भी है, आपने इससे पहले भी उनको किया होगा। ये हमारा पूरा पेंट्री एरिया है, हमारा एक बिजनेस है, फ्रेंचाइजी बिजनेस माने फ्रीलांसर बिजनेस है। गेट आप देख सकते हैं 25 बिजनेस है, 25,000 आप देख सकते हैं पूरा है। ये हमारा पिज्जा एटीएम मशीन है और ये मैडम है, ये कमलजीत मैडम है, देख सकते हैं ये हमारे बिजनेस पार्टनर है, ये मैम अंजू मैडम है। आप अपने बारे में बताइए। मेरा अंजू जाधव के नाम से यूट्यूब चैनल है, बिजनेस आइडिया देती हूँ, किसी को अगर काम करना है कुछ करना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इनकी हस्बैंड है, उनसे भी बात कर सकते हैं। सारे आप लोग दोनों के हस्बैंड वाइफ मिलके चैनल चला रहे हैं, बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हैं वो, ठीक है। और ये हमारे ठाकलाल जी है, ये पूरा हमारे माने वो देखते हैं पूरा, इनके देखिए ये सारा चीज है और पूरा ये भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और राजनीतिक से भी जुड़े हुए। आंखों देखिए आज तक न्यूज़ चैनल, आंखों देखे आज तक न्यूज़ चैनल में ये है, ठीक है, यूट्यूबर है। और ये देखिए ये हमारा दो लाइसेंस है, आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये लाइसेंस है ऐप प्रोवाइडर, उसके बाद में दूसरा है एग्रीगेटर पीडीओ। ये दोनों लाइसेंस आपको अभी भी दे सकते हैं या जिसके साथ आप अभी जुड़े हुए हैं उनको आप बोल सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये गवर्नमेंट के अप्रूवल प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट अप्रूवल प्रोजेक्ट, या वाणी सेल्फ वाईफाई, वाईफाई कराती हर आदमी वाईफाई दे सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा नारा है, नारा वाईफाई ऑपरेटर का नारा है, आप देख सकते हैं, मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा, ये नारा है, ठीक है। साथ में हमारे पास ये देखिए पीएम वाणी के पूरा माने वो लगा हुआ है, आपने किसान शॉप हम लोग खोल के देंगे अलग अलग, जिसको बोलते हैं पब्लिक डाटा ऑफिस। ये देख रहे हैं ये पूरा टोटलिंग आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पूरा वीडियो वाईफाई ऑपरेटर के अवार्ड मिला हुआ है, आए सारे अभी एक साल में इतने सारे अवार्ड है, लेकिन अभी तो आगे भी हम लोग बहुत काम करना है और आप लोग के साथ ही काम करना है। आप देख सकते हैं ये हमारा पीडीओ भी है, ठीक है, और साथ में देखिए ऑलरेडी माने मोदी जी के पूरा जो भी प्लान है वो हमारे सामने है, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई क्रांति, ठीक है, देख ले हर आदमी, ठीक है। इनका एक और वाणी है पीएम वाणी लक्ष्मी वाणी, आप देख सकते हैं लिखे हुए है, इन्होंने साफ साफ अक्षरों में लिख रखे हैं, देख सकते हैं, देखिए ये सारी इनकी माने वाणी है और उसी वाणी के हम लोग माने आगे फॉलो कर रहे हैं और जो ये बोले हैं उसी काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये सारे वार्ड भी है और ये भी अवार्ड है, देख सकते हैं सारे, ठीक है। ये सारे चीजें है जो आप लोग भी जो चीजें हम लोग कर रहे हैं ये चीज आप लोग भी हमारे साथ कर सकते हैं, हमारे साथ मिलके आप बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है।
और बनिया सेल्स देखिए ये है वाईफाई सेलर, देखिए वाईफाई सेलर भी है ठीक है। ये हमारा कोवर्किंग है, देखिए कोवर्किंग का ऑफिस है यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं से जो भी लोग हमारा माने यहाँ से फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं उनको मटेरियल है, ये सारे हमारा स्टैंडी वगैरह है, टी शर्ट है, कैप है, उसके साथ साथ हम लोग ग्लो साइन बोर्ड भी है, ये सारे चीजें है। मुकुल सर है जो हमारा पूरा माने डिजिटल डिपार्टमेंट देखते हैं और पूरा एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, इन्हीं से आपको सारा हेल्प मिलेगा, लॉन्चिंग से लेके और पूरा बिजनेस तक ये आपको हेल्प कर सकते हैं ठीक है। साथ में आप देख सकते हैं हम लोग ऐसे फ्रेम बना के आपको देते हैं, ये फ्रेम देख सकते हैं इस टाइप के फ्रेम बना के देते हैं, और साथ में आपको कप वगैरह भी देते हैं, सारा चीजें जो भी बिजनेस पर्पस के लिए जो आइटम होता है वो सारे हम देते हैं। और ये सौरभ जी है, ये सौरभ जी आजमगढ़ ब्रांच से आए, और सौरभ जी आपका माने कितने महीने हो गए ब्रांच ओपन किए हुए? छह सात महीने में आपने क्या अर्न कर रहे हैं, क्या कैसे बिजनेस कर रहे हैं आप? बढ़िया कर रहे हैं, मतलब पर मंथ मांग के चलिए कि 10 लाख ऊपर चला के देते हैं, मजा भी आ रहा है। आप कितना कमा रहे हैं पैसे आप पर मंथ? पर मंथ मेरा 3-3.5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 1.5 लाख मेरी इनकम एड हो जाती है। आप बता सकते हैं आपका एज क्या है? मेरी एज 26 के एज में इन्होंने इतने बड़ा माने पीएम मानी के सबसे अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, नंबर वन ब्रांच बना रखे हैं, और अभी हम लोग माने सितंबर में जाकर लॉन्च करके आए थे, जब से इनकी जो पैरामीटर जो है 10 लाख 15 लाख 10 लाख 15 लाख, इस महीने में इनका बिजनेस का क्या टारगेट है आपका? अपने आपका हम टारगेट नहीं देते, मेरा खुद का टारगेट है 20 लाख का, जिसका मैंने अचीव कर लिया 15 लाख का, बचा है 5 लाख का वो भी। ये देखिए 2 दिन में हमको अचीव करना है, आज और कल हम इनके साथ में, देखिए आप इनसे पूछिए, मैंने कल से मैं घर नहीं गया, और इनके जितने क्लाइंट आ रहे हैं उनके साथ हम बैठ के यहाँ पर ऑफिस में ही मीटिंग किया, 11 बजे रात को, 2-2 बजे तक रात को मीटिंग किया गया। अब इससे बताइए हम कितना सपोर्ट आपको करेंगे, आने आपका भी जो बिजनेस आएगा उसके साथ भी हम सपोर्ट करेंगे, 24 आवर्स हम आपके साथ है, ऐसा कभी भी नहीं है। चलो लोग बोलता है 7 आवर्स है या 12 आवर्स, हम तो 24 आवर्स आपके साथ है, अगर आपके साथ रह के भी आप बिजनेस नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, इसलिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा एनी टाइम ठीक है। आप अगर स्टार्टअप कर रहे हैं तो 1-2 महीने आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी, तब आपका काम आगे बढ़ेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बस बिजली में लगे रहिए, अच्छे से लगे रहिए, और ये ऐसी योजना है कि आप इसको हर जगह आप इसको कहीं भी आप इसको लगा सकते हो, ये बेसिकली हमारा पूरा हिंदुस्तान बसता है गाँव में, और गाँव में सबसे ज्यादा आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। जितने भी लोग यूपी के हैं अगर उनको आना है तो हमारे आजमगढ़ ब्रांच ऑफिस पे आ सकते हैं, रोडवेज के बगल हमारी ऑफिस है, आप वहाँ पे आके लोगों को देख सकते हैं, वहाँ पे रहने का खाने का वहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है, जो सेम चीज आपको यहाँ मिलेगा वही सेम चीज आपको वहाँ मिलेगी। गुड गुड गुड, तो आप देख सकते हैं सौरभ जी से आपको मिलाया है जो आजमगढ़ ब्रांच का खुद रन कर रहे हैं, और इस ब्रांच में कैसे चीजों को चला रहे हैं और किस तरीके से चला रहे हैं आप देख ही रहे हैं, और इतना ही ब्रांच जो ब्रांच हमारा है सेम ब्रांच, इतना ही बड़ा ब्रांच ये भी रन कर रहे हैं, और ये देख सकते हैं ये जो हमारा पीएम वाणी दिल्ली ब्रांच के जो सारे हमारा स्टाफ है, कुछ लोग छुट्टी पे है जो न्यू ईयर मनाने गए हुए हैं, लेकिन बाकी आप देख सकते हैं सारे लोग एकदम देखो मस्ती में भी काम कर रहे हैं। हर महीने आप कितने पैसे कमा लेते हो? 15-20 हज़ार कमाते पर मंथ। ओके, और कंपनी आपको क्या क्या फैसिलिटी देती है? अच्छा ओके गुड गुड गुड, ओके ओके ओके। ये मैडम है, ये आपका नाम क्या है? नगमा मैडम, आप कब से काम कर रही है यहाँ पे? 3 महीने में आपने क्या बिजनेस माने अच्छा कर रहे हो? हाँ जी सर, माने सही अर्निंग कमा रहे हैं, महीने में कितना कमा लेते हो? क्या बात है, आपका इंसेंटिव पार्ट क्या है, माने कितने महीने में, माने इस महीने में इंसेंटिव क्या है आपका? क्या बात है, ये मोहित जी है, मोहित जी ऑलरेडी 1 साल से जुड़े हुए है, मोहित जी हमारा सबसे ओल्ड एम्प्लॉय है ठीक है, और आप देख सकते हैं से मोहित जी माने किस तरीके से काम कर रहे हैं। मोहित जी आपका क्या माने कैसा आपका रहा 1 साल पूरा आपको? अच्छा रहा, अभी और अच्छा करेंगे। अच्छा गुड 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 गुड, ये पूनम मैडम है, ये हमारे पूरा मैनेजमेंट देखती है, और ये पूनम मैडम माने क्या बोले हाउस वाइफ थी, आज देखिए माने पूरा मैनेजमेंट संभाल रही है,
तो मैं चाहता हूं से अगर एक कर सकती है तो आपको करने में कोई हर्ज नहीं है, आप भी कर सकते हैं लोग इस काम को। पुण्य मैडम क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। माने आपको कैसा लग रहा है हाउस वाइफ में? अच्छा लग रहा है यहाँ पर, माने आप कमा रहे हो अच्छा लग रहा है? क्या बात है, मुझे पता नहीं। अच्छा माने आपको क्या लग रहा है ऐसे आपने अपने आप को, माने जो आपका जो भी टारगेट था जो भी गोल है उसको आप पूरा कर पा रही हो यहाँ काम करके? सबसे अच्छी बात सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के साथ काम कर रही हूँ। ओके गुड, तो आपको लग रहा है ऐसे माने हम लोग इसमें सक्सेस हो सकते हैं? हो रहे हैं, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, चलिए थैंक यू। ये देखिए कितनी छोटी सी लड़की है आप देख सकते हैं, और फिर भी ये क्या कर रही हो? आपका नाम क्या है? आप कहाँ से बिलोंग करती हो? क्या बात है, अब आप यहाँ पर क्या कर रही हो? बाई प्रोफेशनल आप कर क्या रही हो? अच्छा, आपको कैसे पता लगा से यहाँ के लिए? क्या बात है क्या बात है, तो आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है? गुड गुड गुड। तो देखिए ये ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, और वो बच्चे भी हमारे साथ दूर के काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ से इनके लिए जब ये लोग कर सकते बच्चे महीने में 20-25 हजार अर्निंग कर सकते हैं, आप क्यों नहीं करेंगे? पढ़े लिखे माइंड है, माने कोई भी बिजनेस हैं। आपका नाम क्या है? कुंजन जी बस आप चलेंगे आप। हाँ ये देखिए इनका एक कैसे ये देखिए ये देख रहे थे, यहाँ से कम 30 किलोमीटर दूर से आते हैं। कपास कहाँ से आते हैं? 38 किलोमीटर। कहाँ से आते हैं? गुड़गांव से आते हैं। देखिए गुड़गांव से आके या दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, और ये देख सकते हैं इनसे एक पैर से चलता नहीं चला नहीं जाता है। आप थोड़ा चल सकते हैं? ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये यहाँ पर बैठ के जॉब कर सकते हैं, यहाँ बैठ के पूरा कॉलिंग कर सकते हैं। और कितने साल कितने महीने से यहाँ काम कर रहे हैं आप? मई से माने 5-6 महीना हो गए? 8 महीने हो गए, क्या बात है। आप 8 महीने से काम कर रहे हैं, और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर काम कर? बढ़िया लग रहा है, आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, क्या बात है। देखिए ये एक माने हैंडीकैप होके यहाँ पर इतना सारा काम कर रहे हैं, आप महीने के कम से कम कितना अर्न कर लेते हो आप? क्या बात है, 18-20 हजार। इससे पहले क्या करते थे आप? घर पर थे, क्या बात है। आपको कैसे पता लगा से यहाँ पर हम लोग माने पीएम वाणी में जॉब मिल रहा है? अच्छा किसका वीडियो था वो? गौरव सर का, क्या बात है। माने गौरव सर ने पूरे ऑल इंडिया में अपने वीडियो माने अपने यूट्यूब पर डाल के बहुत अच्छा काम किए हैं। इन्होंने पूरे ऑल इंडिया में जितने बेरोजगार है उनको रोजगार के पूरे अवसर दिए। ठीक है सर, ये तो इनसे मिलवा दिया, साथ में ये हमारा देखिए ये कोवर्किंग है, आप देख सकते हैं ये 4,000 स्क्वायर फीट में है ऑफिस। अभी सारे बच्चे छुट्टी पे है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर सारा चीजें बना हुआ है, ये देख सकते हैं, ये देखिए इतना बड़ा स्पेस है हमारे पास, आप देख सकते हैं। और साथ में जब भी कोई आते हैं यहाँ पे तो उनको रहने के लिए भी हम लोग बड़ी अच्छा सुविधा कर रखे हैं। ये देखिए डबल टेकर बेड लगा रखे है, यहाँ पर देखिए कंबल वगैरह सारा कुछ है, सारा व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए गद्दा भी है, देखे गद्दा, ये देखिए जब भी किसी को अगर इस पे अगर नहीं अगर एडजस्ट होता है तो गद्दा भी छा के यहाँ पर अपना रेस्ट कर सकते हैं और यहाँ रह सकते हैं। ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था भी हम लोग करवाते हैं, और आप देख सकते हैं हमारा हमने एक टेनेंट है हमारे, ये पूरा अभी भरा हुआ है, अभी सारे आज छुट्टी पे है ये लोग। ये हमारा डायलर है, आप देख सकते हैं जो भी आपके पास कॉल जाएगा ये डायलर के थ्रू जाएगा, आप देख सकते हैं इसमें सारे में सिम लगा हुआ है, ये देखिए लगा हुआ है ना, ये पूरा सिस्टम है, ये देखिए ये देखिए ये लाइब्रेरी है बाजीराव का, आप देख सकते हैं अली स्ट्रीट।
ये देख सकते हैं, देखिए ये देखिए, ये पीएम वाणी का ऑफिस है और हम लोग ए वाई ऑफिस के थ्रू पीएम वाणी किराए पर ले रखे हैं। ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये वाईफाई ऑपरेटर के हम किराए पर दे रखे हैं और देखिए वाईफाई ऑपरेटर हमारा ही कंपनी है लेकिन हम उनको किराए पर दे रखे हैं। देखिए सारा चीजें कितने अच्छा ऑफिस से जा रखे हैं और ऑफिस कितने तरीके से डिजाइन, ऐसे डिजाइन करके हम आपको ऑफिस देंगे, समझ रहे हैं, ऐसे ही डिजाइन करेंगे, ऐसे सारे ब्रांडिंग करके हम आपको ऑफिस देंगे। और जहां भी अगर आप ऑफिस बनाएंगे तो ब्रांडिंग के लिए अपना साइज वहां पर से भेज सकते हैं और हम आपको पूरा ब्रांड करके देंगे। देखिए इतने बड़ा जगह में, ये पता है टोटल जगह कितना है हमारा, टोटल ये जगह है 160 स्क्वायर फीट। 160 स्क्वायर फीट में देखिए एक बॉस के, एक बॉस केबिन 8x8 के केबिन बना दिया। ये बैठे हुए हमारे सुशांत जी जो टेक्निकल देख रहे हैं, आप देख सकते हैं सुशांत जी है। यहाँ पर असेंबलिंग भी हो जाता है, जो भी हमारा आपका पीडियो है कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो हम असेंबलिंग भी करके दे देते हैं साथ के साथ, माने ऐसा कुछ भी नहीं है आपको कहीं जाने की जरूरत है, रिमोटली करके देते हैं, असेंबलिंग करके देते हैं, आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। और देखिए 4 वर्क स्टेशन कंप्यूटर लगा के देख रहे हैं, पूरा इंटरनेट देख रहे हैं। एक सीट हम लोग अगर आपने खाली सीट लेते हैं तो आपको माने 3500 रुपए का मिल जाएगा, अगर आपने कंप्यूटर के साथ इंटरनेट लेते हैं तो 5000 रुपया ऑल इंक्लूसिव होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखिए एक बॉस केबिन होगा और इसमें आप देखिए पूरा सारा चीज लगा हुआ है। तो ये टोटल जो इसका किराया होगा माने 20-2-3 के मतलब ये हुआ से 20,000 किराया, 4 वर्क स्टेशन एक बॉस केबिन के 20,000 किराया और 2,000 मेंटेनेंस के और 3,000 इलेक्ट्रिसिटी का, टोटल 25,000। यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए टोटल 9 केबिन है, 9 केबिन में हम लोग ये काम कर रहे हैं और 9 केबिन है, आप 9 केबिन का आप जोड़ सकते हैं, 1,80,000 रुपए के किराया आता है महीने का। फिर भी हम लोग ये सारे चीज को देखिए मैनेज कर रखे हैं। ये देखिए बैठे हुए हैं सारे लोग और ये लोग काम कर रहे हैं, पूरा फैसिलिटी हमारे पास है। सेम मैं चाहता हूँ जहां भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी या विधानसभा ले वो हर जगह अपना ऐसे ऑफिस बनाए, हर जगह हम उनको सपोर्ट करेंगे, हर जगह हम करेंगे, सारा चीजें ब्रांडिंग करके देंगे। जैसे ये देखिए ब्रांडिंग हो रखा है, सेम ब्रांडिंग करके हम आपको देंगे, तू माने आप हमारा पूरा ब्रांडिंग जो यहाँ है सेम ब्रांडिंग आप करके हम दे सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ स्टूडियो में, स्टूडियो जैसे ये हमारा पिज्जा एटीएम मशीन है, आप देख सकते हैं पिज्जा एटीएम मशीन भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हम लोग ब्रांड एम्बेसडर है, गौरव सर इसका ब्रांड एम्बेसडर है, ऑलरेडी इस कंपनी को 3 मिनट में पिज्जा तैयार हो जाता है, आप देख सकते हैं पिज्जा पास्ता बिरयानी